चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज क्लियर है? क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? चलिए, तो मेरे ख्याल से सभी लोग इंटीमेट कर रहे हैं कि मेरी आवाज और वीडियो मेरे ख्याल से क्लियर है। ठीक है, तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कल हम लोग ने पहली पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस स्टार्ट की थी, जिसका नाम था पावर डायोड। ठीक है, अब आप देखेंगे पावर डायोड जब आप खरीद के लाएंगे तो उसकी नेम प्लेट रेटिंग होगी। नेम प्लेट रेटिंग में दो चीज डिफाइन होगी, एक तो करंट रेटिंग की होगी और दूसरा वोल्टेज रेटिंग की होगी। तो किसी भी सेमीकंडक्टर डिवाइस में जो करंट रेटिंग दी होती है, करंट रेटिंग का मतलब होता है कि जब भी वो डिवाइस आपके फॉरवर्ड कंडक्शन मोड को सपोर्ट करेगी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम कितना करंट फ्लो करा सकती है। ठीक है, मैक्सिमम करंट। ठीक है, तो आप देखेंगे आपके जो है इंडिया में जो पावर डायोड अवेलेबल है उसकी जो रेटिंग होती है वो कितनी होती है, 1 किलो एम्पियर से लेके 2 किलो एम्पियर तक का मैक्सिमम करंट आपका पावर डायोड फ्लो करा सकता है। ठीक है, अब आप देखेंगे जो 1 किलो या फिर 2 किलो एम्पियर का पावर डायोड होगा इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन जो है, हमें मान लो 50 एम्पियर का ही करंट फ्लो कराना है तो 50 एम्पियर वाला पावर डायोड भी ला सकते हैं, 100 एम्पियर भी ला सकते हैं। और मैक्सिमम जो करंट रेटिंग का पावर डायोड मार्केट में अवेलेबल है वो कितना करंट फ्लो करा सकता है, 1 किलो एम्पियर से लेके 2 किलो एम्पियर। ठीक है, तो मैंने ये चीज आपको लिखी हुई थी। ठीक है, ये चीज बेटा मैंने आपको लिखी हुई थी, एक मिनट। दैट इज पावर डायोड के केस में मैंने लिखी थी कि जब भी कोई डिवाइस करंट रेटिंग का मतलब होता है, दैट करंट रेटिंग मीन्स होता है कि जब भी कोई डिवाइस कंडक्शन मोड में जाएगी तो वह डिवाइस फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना करंट फ्लो कराएगी, ये चीज बताता है उस डिवाइस की करंट रेटिंग। अच्छा, साउंड नहीं आ रहा है? मेरे ख्याल से साउंड क्लियर है। क्या वॉइस में दिक्कत है क्या किसी को? क्लियर है, मेरे ख्याल से क्लियर है। गोपाल बोल रहा है क्लियर है। नो, चलिए, साउंड मेरे ख्याल से आ रहा है। जिसके भी साउंड में दिक्कत हो वो अपने को लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करेगा। ठीक है, उसी की तरफ से दिक्कत होगी, यहां से साउंड बिल्कुल ओके, परफेक्टली ऑडिबल है साउंड। ठीक है, और आज नेट भी ठीक चल रहा है इसलिए अब ये सब चीजें आप ना बोले कि साउंड नहीं आ रहा है, बाई चांस नेट आज ठीक चल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे वोल्टेज रेटिंग के बारे में। तो आप देखेंगे जब भी किसी भी सेमीकंडक्टर डिवाइस की कैपेबिलिटी दी होती है, आपकी कोई भी डिवाइस दो टाइप से वोल्टेज को ब्लॉक कर सकती है, फॉरवर्ड में भी वोल्टेज को ब्लॉक कर सकती है, रिवर्स में। लेकिन जब भी किसी भी डिवाइस की नेम प्लेट रेटिंग में वोल्टेज दी जाती है सेमीकंडक्टर डिवाइस में, तो वो हमेशा रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी होती है कि जब भी आपका डिवाइस आपका रिवर्स ब्लॉकिंग मोड को सपोर्ट करेगी तो मैक्सिमम कितना वोल्टेज ब्लॉक कर सकती है। तो जो पावर डायोड आपके इंडिया में अवेलेबल है, मैक्सिमम कितना वोल्टेज आपका ब्लॉक कर सकता है, 5000 तक के वोल्टेज को क्या कर सकता है, ब्लॉक 5000 या फिर 5 केवी के वोल्टेज को क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है। तो ये मैंने बताया था कि जब भी कोई डिवाइस आपके ब्लॉकिंग मोड को सपोर्ट करेगी तो वह जब भी कोई डिवाइस ब्लॉकिंग मोड में जाएगी तो वह डिवाइस रिवर्स डायरेक्शन में कितना वोल्टेज ब्लॉक करेगी, दैट इज नथिंग बट नोन एज ए वोल्टेज रेटिंग ऑफ द सेमीकंडक्टर डिवाइस। ठीक है, अब आप देखेंगे कल मैंने आपको बताया था कि जो पावर डायोड होता है, पावर डायोड आपका 3 लेयर, कितना लेयर होता है, 3 लेयर, दैट इज 2 टर्मिनल एंड दैट इज 1 जंक्शन डिवाइस होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका पावर डायोड होता है वो कितने लेयर डिवाइस होता है, 3 लेयर डिवाइस होता है, P plus N minus and that is N plus, 3 layer, 2 terminal, that is anode and cathode and that is 1 junction, दो अपोजिट डेटा मटेरियल के बीच में, P और N के बीच में जंक्शन बनता है, तो जंक्शन केवल यहां पर बनेगा। एनोड हमेशा P से निकालते हैं, कैथोड हमेशा N से निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको मैंने बताया था कि जो आपके पास एनालॉग डायोड था, एनालॉग आपका जो आपका पीएन जंक्शन डायोड था वो 2 लेयर डिवाइस था।
ठीक है। अगर आपको आप देखेंगे जो आपका पावर डायोड होता है उसकी करंट रेटिंग ज्यादा होती है, करंट रेटिंग को बढ़ाने के लिए आपको मेजोरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा, और मेजोरिटी चार्ज कैरियर के कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए कुछ लेयर की आपको डोपिंग क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। डोपिंग बढ़ा देंगे तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, जिससे आपकी करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो आप देखेंगे पीएन जंक्शन में दो लेयर थी, अगर मुझे इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ानी है तो इसमें मैं हाईली डोप कर दूंगा, तो हाईली डोपिंग करने से करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन आप देखेंगे डोपिंग बढ़ाने से विफ्ट ऑफ द डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इसकी रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग एबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और मैंने कल आपको बताया था कि अगर आप रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग एबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ लेयर की आपको डोपिंग करनी पड़ेगी, क्या करना, डोपिंग क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तो यहां तो बेटा आपने डोपिंग बढ़ा दी, अब डोपिंग कम करने के लिए एक्स्ट्रा लेयर पीएन जंक्शन में लगानी पड़ती है। पीएन जंक्शन डायोड में हम एक एक्स्ट्रा लेयर लगाएंगे जिससे विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर बढ़ने से आपकी रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग एबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहां पर हम क्या करते हैं, एनालॉग डायोड से अगर पावर डायोड बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनालॉग डायोड में एक एक्स्ट्रा लेयर एड की जाती है, दिस इज ए एक्स्ट्रा लेयर, दिस इज ए एक्स्ट्रा लेयर। एक मिनट बेटा, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आप पीएन जंक्शन डायोड में आप एक एक्स्ट्रा लेयर लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड एन माइनस लेयर, और आप देखेंगे इस लेयर की डोपिंग आपने क्या कर रखी है, कम कर रखी है। डोपिंग कम करने से आपका क्या होगा, दैट इज विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो डायोड था एनालॉग डायोड उसकी रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और आप देखेंगे कि यहां पर आप देखेंगे यहां पर डोपिंग ज्यादा है, प्लस का मतलब है हाईली डोप्ड लेयर और माइनस का मतलब है लाइटली डोप्ड लेयर, दैट इज पी प्लस एन माइनस एन प्लस। इस एन माइनस लेयर का सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है, इसका महत्व है रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाना, मतलब जब डायोड आपका रिवर्स बायस होगा तब इस लेयर की वजह से उसकी रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी बढ़ रही। एन माइनस लेयर को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट रीजन, ड्रिफ्ट रीजन क्यों बोलते हैं, इसको भी मैंने बताया था कि जब आप अपने पावर डायोड को रिवर्स बायस करेंगे, रिवर्स बायस का मतलब एनोड इज मेड नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, कैथोड करेंगे, तो डायोड आपका जो पीएन जंक्शन है, ये जो जंक्शन है वो कैसा हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स बायस हो जाएगा तो आप देखेंगे कि यहां पर जो है, आप देखेंगे रिवर्स बायस हो जाएगा तो आपकी डिप्लीशन लेयर क्रिएट होती है, तो यहां पर डोपिंग ज्यादा है, जहां डोपिंग ज्यादा होती है तो यहां पर विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर क्या होगी, कम, मतलब कम डिस्टेंस पे आपको ज्यादा चार्ज मिलेगा। सेम चार्ज दूसरी साइड क्रिएट करने के लिए डिप्लीशन लेयर में आपको क्या करना पड़ेगा, एन माइनस लेयर में आपको ज्यादा डिस्टेंस पे जाना पड़ेगा, क्योंकि डिप्लीशन लेयर के दोनों साइड चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन क्या होता है, सेम, यहां पर कम डिस्टेंस में उतना चार्ज मिल जाएगा, सेम चार्ज दूसरी, क्योंकि डोपिंग कम है तो दूर दूर चार्ज कैरियर होंगे, तो सेम चार्ज को क्रिएट करने के लिए बहुत ज्यादा दूरी पे जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे जैसे मैं रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाता जाऊंगा, डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, यहां पर कम बढ़ेगी, लेकिन कम डिस्टेंस पे आपका ज्यादा चार्ज होगा, सेम चार्ज दूसरी साइड क्रिएट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर क्या होती, बढ़ती है। तो इस रीजन की वजह से, या फिर आप बोल सकते हैं एन माइनस लेयर में, एन माइनस लेयर में जो आपकी डिप्लीशन लेयर है वो बहुत आसानी से अंदर की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है, यानी तेजी से बढ़ने का मतलब ड्रिफ्ट में तैरना, मतलब आपकी जो है डिप्लीशन लेयर एन माइनस लेयर में बहुत आसानी से तैर पा रही है, तैर पाने का मतलब बहुत आसानी से बढ़ रही है, उसको बोल रहे हैं तैरना। ठीक है, इसलिए इसका नाम बोलते हैं ड्रिफ्ट रीजन।
और आप देखेंगे जैसे जैसे रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे आपका एन माइनस लेयर में आपकी जो है विस्त क्या होगी, काफी तेजी से बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद भी अगर बढ़ाते जाएंगे तो यहां पर कम बढ़ेगी और हो सकता है कि आपकी डिप्लीशन लेयर एन प्लस में चली जाए। एन प्लस में जब चली जाएगी तो उतनी तेजी से इंक्रीमेंट नहीं होगा क्योंकि यहां पर डोपिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए जनरली जो है विस्त काफी ज्यादा बढ़ पाए इसलिए एन माइनस लेयर की जो थिकनेस होती है वो आपकी काफी ज्यादा रखी जाती है। मैंने थिकनेस भी बताई थी, पीएन जो आपका पावर डायोड होता है, पावर डायोड में जो पी प्लस रीजन होता है उसकी थिकनेस कितनी होती है, 20 माइक्रोमीटर। एन प्लस रीजन जो होता है उसकी थिकनेस होती है 20 माइक्रोमीटर, और जो आपके पास ड्रिफ्ट रीजन या फिर एन माइनस लेयर जो होता है उसकी थिकनेस होती है 400 माइक्रोमीटर। देखिए थिकनेस काफी ज्यादा है, जब पावर डायोड बनाते हैं तो ये जो आपका पी प्लस और एन प्लस लेयर होती है इनकी थिकनेस हम कम रखते हैं, ठीक है थिकनेस। और आप देखेंगे 400 जो आपका n माइनस ड्रिफ्ट रीजन या फिर n माइनस लेयर है इसकी थिकनेस ज्यादा रखते हैं क्योंकि इसकी वजह से विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर काफी ज्यादा बढ़ पाएगी, जिसकी वजह से रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि इसकी थिकनेस हमने 400 माइक्रोमीटर से ज्यादा क्यों नहीं रखी, इसका एक डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स, लेकिन आप लोग सुनते जाइएगा, ठीक है। तो आपको एक चीज समझ में आया होगा कि एन माइनस लेयर का एडवांटेज क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। आपका बोला जाता है कि जब भी मैं एनोड इज मेड निगेटिव रिस्पेक्ट टू कैथोड, मतलब पावर डायोड को रिवर्स बायस करूंगा, तो क्या होगा, आपका जो है जो डिप्लीशन लेयर होगी वो एन माइनस लेयर में ज्यादा डिस्टेंस तक पेनिट्रेट करेगी। पेनिट्रेट करने का मतलब घुसना, ठीक है, ज्यादा दूरी तक पेनिट्रेट कर पाएगी। क्यों, इन ऑर्डर टू इक्वलाइज द चार्ज ऑन द बोथ साइड ऑफ द जंक्शन। यहां पर आपका जो है कम डिस्टेंस में जाएगी लेकिन सेम चार्ज एन माइनस लेयर में भी क्रिएट करने के लिए ज्यादा डिस्टेंस में जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी क्या हो जाएगी, पावर डायोड की, बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैंने ये स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाया था। अब यहां पर मैं डोपिंग भी आपको लिखा देता हूं। यहां पर हाईली डोप्ड लेयर है, ये आपका लाइटली डोप्ड लेयर है। हाईली कितनी डोपिंग करते हैं, मैं डोपिंग भी लिखा देता हूं, दैट इज डोपिंग लिख लीजिए बेटा, इसको भी मैं आपको लिखा देता हूं। पी प्लस सीजन में जो डोपिंग लेवल होता है दैट इज 1 × 10⁻¹⁹ एटम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 cm³ में यहां पर आपके बोरान के कितने एटम मिलाए जाते हैं, 1 × 10⁻¹⁹ एटम मिलाए जाते हैं, ठीक है। आपको सर ने पढ़ाया होगा जब ईडीसी पढ़ा रहे थे कि सिलिकॉन का अगर 1 cm³ वैल्यूम का अगर आपको क्या लिया जाएगा बेटा, एक बार लिया जाएगा, तो उसमें कितने एटम्स होते हैं, 5 × 10⁻², 5 × 10⁻², एटम पर सेंटीमीटर क्यूब होते हैं सिलिकॉन के। अगर इस सिलिकॉन को आप किसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, दैट इज पी रीजन में कन्वर्ट कर, पी टाइप मटेरियल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ट्राइवेलेंट एटम की इंप्योरिटी ऐड करना पड़ेगा, और जो इंप्योरिटी लेवल होता है 1 cm³ में कितने ट्राइवेलेंट या फिर बोरान के एटम मिलाए जाते हैं, 1 × 10⁻¹⁹ एटम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हाईली डोप्ड लेयर है, डोपिंग इज हाई। उसके बाद ये एन माइनस लेयर है, इसमें डोपिंग लेवल क्या होता है, यहां पर जो डोपिंग लेवल होता है दिस इज 1 × 10⁻¹⁴ आइटम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहां पर आप देखेंगे डोपिंग इज कम, 1 cm³ सिलिकॉन के एटम पे या फिर 1 cm वैल्यूम अगर मैं सिलिकॉन लूंगा तो उसमें एन माइनस एन टाइप सेमीकंडक्टर की दैट इज पेंटावेलेंट एटम की इंप्योरिटी ऐड की होगी। कितना एटम ऐड किया है, 1 × 10⁻¹⁴ एटम पर सेंटीमीटर क्यूब, और दैट इज यहां पर हाईली डोप लेयर है, तो यहां भी डोपिंग क्या होगा, 1 × 10⁻¹⁹ एटम पर सेंटीमीटर क्यूब। लिख लीजिए ये, ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चरल डायग्राम था, दिस इज द स्ट्रक्चरल डायग्राम। कई सारी बुक में स्ट्रक्चरल डायग्राम कुछ ऐसा भी दिया होता है, लिखते जाए बेटा, जो है जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट बता रहा हूं, ठीक है, कहीं से कोई भी डाटा आप मिसमैच नहीं करें, ठीक है। मैंने आपका ट्रांसमिशन का लेक्चर भी आज डाल दिया है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का पहला लेक्चर था, उस लेक्चर में एक करेक्शन कर लीजिएगा, जहां मैंने लेंथ फ्रीक्वेंसी और लेंथ के प्रोडक्ट के हिसाब से लिखाया है, मैंने आपको बताया कि अगर फ्रीक्वेंसी और लेंथ का प्रोडक्ट आपका 4000 हर्ट्ज किलोमीटर से कम है या फिर लाइन की लेंथ 80 किलोमीटर से कम है तो वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है। अगर फ्रीक्वेंसी और लेंथ का प्रोडक्ट 4000 हर्ट्ज से
हर्ट्ज किलोमीटर से ज्यादा है और 8000 हर्ट्ज किलोमीटर से कम है तो आपका मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में मैंने पिछले साल लिखवा दिया था, गेट का डाटा लिखवा दिया था कि अगर फ्रीक्वेंसी और लेंथ का प्रोडक्ट आपका 4000 हर्ट्ज किलोमीटर से ज्यादा और 12000 हर्ट्ज किलोमीटर से कम है तो आपकी ट्रांसमिशन लाइन मीडियम कहलाएगी। जेई लेवल पे कई एग्जामिनेशन में इस पॉइंट को गलत मान लिया जाता है, इसलिए आपके मैंने करेक्ट डाटा लिखवाया है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का क्लासिफिकेशन होता है जब फ्रीक्वेंसी और लेंथ का जो प्रोडक्ट होता है वो आपका जो है 8000 हर्ट्ज किलोमीटर से ज्यादा होता है तो लॉन्ग टर्म, मतलब 160 किलोमीटर से ज्यादा होगी। उस लेक्चर में मैंने लिखाया है कि अगर आपका फ्रीक्वेंसी और लेंथ का प्रोडक्ट 12000 हर्ट्ज, 12000 को काट दीजिएगा, 8000 कर दीजिएगा, ठीक है, 240 किलोमीटर से ज्यादा बताया तो करेक्ट कर लीजिएगा डाटा उस लेक्चर में, बाकी सारा लेक्चर बिल्कुल ही करेक्ट है, ठीक है। तो आपका लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का पहला लेक्चर 8 डाल दिया है, 4 लेक्चर और है, उसके बाद वी विल डिस्कस द ट्रांसमिशन लाइन, उसके आगे ही करेंगे। सर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन तो पढ़ने को बोला, क्या बोला, पढ़ाने को बोला था आपने भैया, जो है लेक्चर आप देख लें, बिल्कुल क्वालिटी के साथ लेक्चर है, ठीक है। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में आधा लेक्चर रिकॉर्डेड है और उसी के आगे मैं पढ़ाऊंगा सर्ज इंपीडेंस लोडिंग से, ठीक है। सर्ज इंपीडेंस लोडिंग हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है क्योंकि उसी से रिलेटेड होता है। सर्ज इंपीडेंस जो आपका जो होता है वो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में एग्जिस्ट करता है, तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में आपको पढ़ा रहा हूं तो उसमें सर्ज इंपीडेंस का मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, पूरा नहीं बताऊंगा, लेकिन जितना मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा उससे आपके लेवल का, जे लेवल का हर एक एग्जामिनेशन आपका क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। लेकिन आगे मैं सर्ज इंपीडेंस को और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करूंगा जब मैं आपको स्विचिंग ट्रांजिएंट पढ़ाऊंगा, ठीक है। स्विचिंग ट्रांजिएंट का मतलब हुआ कि दैट इज आपका जो है सर्ज जो होता है वो ट्रांसमिशन लाइन में कैसे ट्रेवल करता है, दैट इज ट्रेवलिंग वेव। इसी वाले देखो ट्रांसमिशन लाइन पढ़ना चाहे तो पढ़ लें, क्योंकि उनका ईएमटी एक सब्जेक्ट होता है जिसमें ट्रांसमिशन लाइन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके में भी मैंने लेक्चर अपलोड किया ट्रांसमिशन लाइन के, अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है, नहीं पढ़ना चाहे तो आप छोड़ सकते हैं इसी वाले, ठीक है। लेकिन अब नेट की प्रॉब्लम रहती है तो बेटा स्टोर में अपलोड किया, जब रात में सोया करो तो अपलोडिंग में लगा दिया करो लेक्चर, ठीक है। एक्सक्यूज मत दो, तुम लोग एक्सक्यूज बहुत बोलते हो। एसजीपी पढ़ाऊंगा भैया, बिल्कुल पढ़ाऊंगा एसजीपी, मैं प्रॉपर खुद पढ़ाऊंगा, परेशान नहीं हो। एसजीपी के जितने लेक्चर पढ़े पहले उनको एक बार देख तो लो कि होता क्या है एसजीपी में, क्या आपका ब्रेकर होता है, क्या होता है, कौन कौन सा मटेरियल यूज करते हैं। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो फुल डिटेल में पढ़ाऊंगा, परेशान नहीं हो जाऊंगा, ठीक है। हर एक टॉपिक जो भी है आपका, हर एक टॉपिक वी विल डिस्कस, ठीक है। एक सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ाता, मेजरमेंट, ठीक है, वो तुम्हें पहले से मालूम है, ठीक है। मेजरमेंट सर ने तुम लोग को पढ़ा रखा है, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं ऑनलाइन में पढ़ाऊंगा मैं हर एक सब्जेक्ट, ठीक है, घबराओ नहीं। चलो हाँ यहाँ आ जाओ, स्ट्रक्चरल डायग्राम मैंने आपको बता दिया था तो देखते जाओ। मेरे ख्याल से गुरुवार से मैं आपका ट्रांसमिशन स्टार्ट करूंगा। अच्छा सिंक्रोनिज हो गया है, दूसरे का समझ में नहीं आता है। सिंक्रोनस मशीन हो गए हो का तुम, है? चल कोई बात नहीं, सिंक्रोनस मशीन पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। बोलते हो ना कि सिंक्रोनस मशीन कोई पढ़ाता नहीं है, सिंक्रोनस पढ़ाएंगे। सबसे अच्छा मैं आपको सिंक्रोनस मशीन ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिकली में सिंक्रोनस मशीन आपका जो है यूज होता है, इंडक्शन एंड सिंक्रोनस, ठीक है, वी विल डिस्कस। चलो तो आप देखेंगे कई सारी बुक में आपको पावर डायोड का इस तरीके से भी रिप्रेजेंटेशन दिया होता, तो सेम टाइप का रिप्रेजेंटेशन है। सर जी यूटिलाइजेशन स्टार्ट करिएगा, ट्रांसमिशन एंड हो जाए। यूटिलाइजेशन अलग से टॉपिक है, पास्ट टॉपिक है, वी विल डिस्कस। देखो उसमें एक टॉपिक है दैट इज नथिंग बट द आपका यूटिलाइजेशन में, हाँ ऑनलाइन ही पढ़ाएंगे, मोस्ट ऑफ द चीजें आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे, जिससे कि आपके पास लेक्चर हमेशा रहे, जो भी आपका स्टोर में जो आपने परचेज किया वो लाइफ टाइम तक आपके पास रहेगा, आपको दूसरी कोचिंग जिंदगी में कभी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ पीएलसी स्कॉडा वी विल आल्सो डिस्कस, ठीक है, ऑनलाइन में वी विल डिस्कस पीएलसी एंड स्कॉडा सेपरेटली, ठीक है। तो उसके लिए परेशान होने वाली बात नहीं है कि सर पीएलसी स्कॉडा जो है नहीं हुआ, जितना हुआ उन्होंने पढ़ाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वी विल डिस्कस, ठीक है। पीएलसी स्कॉडा में कोई ऐसी बात नहीं है, माइक्रो प्रोसेसर अगर आपने पढ़ रखा है तो पीएलसी स्कॉडा आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, प्रोग्रामिंग है उसमें, ठीक है। चलो तो यहां पर आप देखेंगे कि बुक में जो है, कई सारी बुक में ऐसा भी डायग्राम दिया होता है तो उससे कोई लेना देना नहीं है, सेम थिंग विल बी देयर, ठीक है, कि आप देखेंगे आपके एक सिलिकॉन का बार लेते हैं, पूरा एक सिलिकॉन का बार लिया है, उसमें मैंने 20 माइक्रोमीटर
यहाँ पर मैंने लिफ्ट लिखा 20 माइक्रोमीटर में मैंने क्या किया, पेंटावेलेंट डोपिंग की है, लेकिन यहाँ पर जो पेंटावेलेंट एटम की डोपिंग की वो बहुत हाईली की है, 1:10^19, जिससे कि आपका एन प्लस रीजन जिसकी भी वैलिडिटी स्टोर में खत्म हो जाए आप मुझको पर्सनली कॉल कर दीजिएगा, मैं आपकी जो है बढ़वा दूंगा, ठीक है। ये मत बोलिए कि सर उसकी वैलिडिटी, बाकी लोगों की वैलिडिटी लाइफ टाइम है, अगर किसी की वैलिडिटी खत्म हो जाती है आपके पास नंबर है, यू कैन बी कॉन्टेक्ट, वी विल एक्सटेंड दैट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब मुझे पढ़ाने तो अब बात मत करो, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करते हैं, सिलिकॉन का एक बार लिया था, उसमें मैंने 20 माइक्रोमीटर में क्या किया बेटा, आपका फास्फोरस एटम की डोपिंग की, लेकिन डोपिंग बहुत हाईली थी तो एन प्लस रीजन बन गया। यहाँ पर 400 माइक्रोमीटर में मैंने क्या किया, यहाँ भी पेंटावेलेंट एटम की डोपिंग की, लेकिन डोपिंग कैसी की थी, कम की थी, तो एन माइनस रीजन बन गया। और यहाँ पर थोड़े से रीजन में 20 माइक्रोमीटर पे आप क्या करते हैं, ट्राइवेलेंट एटम की डोपिंग करते हैं, लेकिन हाईली डोपिंग होती है तो पी प्लस बन जाता है। कैथोड हमेशा पी से निकालते हैं और आपका दैट इज एनोड हमेशा पी से निकालेंगे, कैथोड हमेशा एन से निकालेंगे, ठीक है। तो पावर दैट इज एनालॉग डायोड और आपका पावर डायोड में केवल एक अंतर होता है इस थर्ड लेयर का, इस थर्ड लेयर का आपका यूज होता है, आप देखेंगे जितनी भी पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेज होती हैं, जितनी भी पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस है, चूंकि उनकी दैट इज रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी काफी ज्यादा होती है, फिर रेटिंग काफी ज्यादा होती है, तो करंट रेटिंग को बढ़ाने के लिए आप देखेंगे जितनी भी पावर सेमीकंडक्टर कुछ लेयर की डोपिंग क्या की जाएगी, बढ़ाई जाएगी। और बेटा रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक नई लेयर लगानी पड़ेगी, उस लेयर को बोलते हैं n माइनस लेयर, ठीक है। तो n माइनस लेयर आप देखेंगे जब मैं SCR पढ़ूंगा, SCR की जो होता है उसकी जो रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी होती है 7000 होती है, तो अगर मुझे वोल्टेज रेटिंग को बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिप्लीशन लेयर को बढ़ाना पड़ेगा। अब डिप्लीशन लेयर बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है डिप्लीशन लेयर की आपको एक्स्ट्रा लेयर्स लगानी पड़ेगी। तो अगर आप रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं डिवाइसेज की तो एक्स्ट्रा लेयर लगाना पड़ेगा। देखो पीएन जंक्शन डायोड में 3 लेयर है, लेकिन जो SCR है उसकी रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी क्या होती है, 7000 होती है। तो अगर रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाना तो एक एक्स्ट्रा लेयर लगाना पड़ेगा, तो SCR आपका 4 लेयर हो जाएगा। कितना लेयर होगा, 4 लेयर। ये पीएन जंक्शन जो है आपका 5000 वोल्टेज को ब्लॉक कर सकता है, 2000 वोल्टेज को और ब्लॉक कराना है तो एक पीएन जंक्शन हम और बनाएंगे, वो पीएन जंक्शन आपका कितना वोल्टेज और ब्लॉक करेगा, 5000 वोल्टेज को और क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, ठीक है। तो जो SCR है वो कितना लेयर डिवाइस होगा, 4 लेयर। करंट रेटिंग को बढ़ाने के लिए कुछ लेयर की डोपिंग को हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी बताया था, कि पावर डायोड और पीएन जंक्शन डायोड का जो सिंबल था वो बिल्कुल एक जैसा था, कोई अंतर नहीं है, बस सिग्नल डायोड या फिर पीएन जंक्शन डायोड का जो आपका सिंबल होता है वो थोड़ा सा छोटा बनाया जाता है और पावर डायोड का जो आपका सिंबल होता है वो थोड़ा सा क्या किया जाता है, बड़ा बनाया जाता है। इतना मैं आपको बता चुका था, ठीक है। चलिए अब जितनी चीजें मैंने आपको बताई है उतनी चीजें हम लोग थ्योरेटिकली क्या करते हैं, लिख लेते हैं। अच्छा ये बताओ जो आपका पावर डायोड है वो कितने मोड को सपोर्ट करेगा, हेलो पीएन जंक्शन डायोड कितने मोड को सपोर्ट करता था, 2 मोड को सपोर्ट करता था, फॉरवर्ड कंडक्शन और रिवर्स ब्लॉकिंग। आपका जो पावर डायोड है वो भी कितने मोड को सपोर्ट करता है, 2 ही मोड को सपोर्ट करता है, फॉरवर्ड में कंडक्शन कराता है, अगर मैं इसको फॉरवर्ड बायस करूंगा तो फॉरवर्ड में कंडक्ट करेगा और जब मैं इसको रिवर्स बायस करूंगा तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो इसको बेटा लिखना स्टार्ट कर देते हैं जितने भी पॉइंट है। पहली चीज ये बताओ क्या ये कंट्रोल डिवाइस होगी कि अनकंट्रोल डिवाइस होगी, मैंने बताया था कंट्रोलिंग करने के लिए आपको डिवाइस को या तो ऑन स्टेट को कंट्रोल करो या तो ऑफ स्टेट को या फिर दोनों को, कंट्रोलिंग करने के लिए कंट्रोल टर्मिनल होना चाहिए, एक्स्ट्रा टर्मिनल होना चाहिए, कम से कम 3 टर्मिनल, लेकिन यहां तो 2 ही टर्मिनल है, एनोड और कैथोड, और ये कैसे टर्मिनल होते हैं, मेन टर्मिनल, इनके बीच में सोर्स और लोड लगा होगा, तो कंट्रोलिंग करने के लिए है ही नहीं, तो कैसी डिवाइस है, पावर डायोड भी एक आपका कैसी डिवाइस है, अनकंट्रोल डिवाइस है। कैसी डिवाइस है, अनकंट्रोल डिवाइस है। क्यों अनकंट्रोल है, ना तो आप इसको आपके कहने पे या फिर मैं अपने अनुसार इसको जब चाहूं तब ऑन नहीं कर सकता और जब चाहूं तब ऑफ नहीं कर सकता। जैसे आप बीजेटी देखेंगे, बीजेटी को ऑन करने के लिए अगर बेस सिग्नल दूंगा, जैसे ही बेस सिग्नल दूंगा ऑन हो जाएगा, बेस सिग्नल को हटा दूंगा ऑफ हो जाएगा, तो मैं जब चाहूं तब बीजेटी को ऑन भी कर सकता हूं और ऑफ, दोनों स्टेट को कंट्रोल कर सकता हूं। लेकिन यहां पर आप देखेंगे ऑन तभी होगा जब सप्लाई इसको फॉरवर्ड बायस करेगी, तो सप्लाई की कंट्रोलिंग है इसमें, पावर डायोड या फिर एनालॉग डायोड इज कंट्रोल्ड बाय द सप्लाई। सर कभी 2 वाइस लैग कर रहा है, अरे यार तुम लोग पढ़ाने ना, कभी कभी वाइस, अरे वाइस वाइस लैग ना कर रहा है, ठीक है, तुम लोग को पढ़ना लिखना है नहीं, जो है वाइस लैग करते जाओगे। तो मैं यहां बता रहा हूं कि जो आपका पावर डायोड है उसकी कंट्रोलिंग जो होती है
ऑन और ऑफ करने की, वो कौन कंट्रोल करता है? सप्लाई करती है। आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं इससे बोलूं ये पावर डाइवर्ट ऑन हो जा, ऑन हो जाएगा क्या? बीजेटी को बोलूंगा तो बीजेटी ऑन हो जाएगा, बोलेगा बेस सिग्नल दे तो ऑन हो जाएगा। तो मेरी कंट्रोलिंग है वहां पर, कंट्रोल टर्मिनल होना चाहिए, एक्स्ट्रा टर्मिनल होना चाहिए, कम से कम 3 टर्मिनल डिवाइस होनी चाहिए कंट्रोलिंग के लिए, ठीक है। तो SCR हम आगे चल के देखेंगे, SCR को हम चाहे जब चाहे तब क्या कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, उसकी ऑन स्टेट को कंट्रोल कर सकते हो, पार्शली फिर सेमी कंट्रोल डिवाइस, ऑफ नहीं कर सकते अपने अनुसार, ठीक है। कंट्रोल टर्मिनल से हम उसको ऑफ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ऑन जरूर कर लेंगे तो सेमी कंट्रोल। बीजेटी में कंट्रोल टर्मिनल से ऑन भी कर सकते हैं, फुल्ली कंट्रोल, लेकिन डायोड में तो ऐसा कोई कंट्रोल ही टर्मिनल नहीं, तो देखिए अनकंट्रोल डिवाइस, ठीक है। अब आप देखेंगे यहां पर आपसे पूछा जाए कि आपका जो है किस डायरेक्शन में कंडक्ट करता है, तो फॉरवर्ड एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट करता है, तो ये यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है फॉर द करंट, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है फॉर द करंट, और ये वोल्टेज को भी एक ही डायरेक्शन में ब्लॉक कर सकता है। किस डायरेक्शन में वोल्टेज को ब्लॉक कर सकता है? दैट इज रिवर्स डायरेक्शन में वोल्टेज को ब्लॉक कर सकता है। तो ये यूनिपोलर, वोल्टेज में पोलैरिटी होती है, यूनिपोलर डिवाइस है वोल्टेज के लिए। और आपसे पूछा जाए कि जब भी ये कंडक्ट करेगा तो कौन कौन से चार्ज कैरियर की वजह से करंट आएगा, तो इलेक्ट्रॉन भी मूव करेंगे, होल भी मूव करेंगे, कुछ करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा, कुछ करंट होल की वजह से आएगा। टोटल करंट क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का करंट प्लस होल का करंट। तो आपसे पूछा जाए कि आपका जो पावर डायोड है वो कैसी डिवाइस है, तो आप बोलेंगे पावर डायोड मेरा बाइपोलर डिवाइस है। यहां पर मैंने बाइपोलर वोल्टेज करंट नहीं बोला, बाइपोलर डिवाइस है। बाइपोलर क्यों? क्योंकि इसमें जो करंट फ्लो करेगा, जब ये कंडक्शन मोड में जाएगी तो जो करंट फ्लो करेगा उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का भी होगा और कुछ कंट्रीब्यूशन होल का होगा। किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा? इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। मान लो 50 एम्पियर करंट फ्लो करा तो हो सकता है मेजोरिटी करंट किसकी वजह से आएगा? इलेक्ट्रॉन की। हो सकता है 35 एम्पियर इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करे 15, तो टोटल करंट क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का करंट प्लस होल का करंट, दैट इज नथिंग बट द 50 एम्पियर। तो दोनों टाइप के चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो करता है, ठीक है। जब भी ये कंडक्शन मोड में जाएगी तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करेंगे, होल यहां से यहां, तो टोटल जो करंट होगा दोनों, अब जो है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का करंट आएगा, होल के मूवमेंट की डायरेक्शन में होल का करंट होता है, दोनों करंट एक ही डायरेक्शन में, तो टोटल करंट क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का करंट प्लस। तो अब जब देखेंगे जो टोटल करंट फ्लो करा वो दोनों टाइप के चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो करा, इसलिए इसको बोलते हैं बाइपोलर डिवाइस। लेकिन जो मॉस्फेट या फिर फेट होते हैं उसमें एक ही टाइप के चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो करता है, इसलिए उसको यूनिपोलर डिवाइस बोलते हैं। वोल्टेज के लिए बोला जाएगा तो वोल्टेज मतलब एक ही डायरेक्शन वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा है। तो अगर वोल्टेज करंट कुछ नहीं लिखा, बोला है कि ये डिवाइस बाइपोलर है, मतलब करंट के बारे में बात करें कि करंट कितने टाइप के चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो कर रहा है, मतलब कौन कौन से चार्ज कैरियर है जिनकी वजह से टोटल करंट आ रहा है। तो दोनों टाइप के चार्ज कैरियर मूव करते हैं। यहां पर मैंने आपको दिखाया था, दैट इज आपका जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया था तो होल मेजॉरिटी में होल भी थे और यहां पर होल थे और यहां पर इलेक्ट्रॉन थे। इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव किया था, होल ऐसे मूव किया था, इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट ऐसे था, होल की वजह से टोटल करंट क्या था? लाइक दिस। तो लिखना स्टार्ट करिए बेटा, सम पॉइंट यू कैन बी नोट डाउन ऑन दिस। चलिए लिखिए पावर डायोड, पहला पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट पावर डायोड इज ए अनकंट्रोल डिवाइस। पावर डायोड इज ए अनकंट्रोल्ड डिवाइस। पावर डायोड इज ए अनकंट्रोल्ड डिवाइस बिकॉज वी कैन नॉट कंट्रोल, वी कैन नॉट कंट्रोल, we cannot control the on and off state of the device। डिवाइस की ना तो हम ऑन स्टेट को कंट्रोल कर सकते हैं ना तो ऑफ स्टेट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो पावर डायोड की ऑन और ऑफ स्टेट को कौन कंट्रोल करता है? सप्लाई। सप्लाई अगर इसको फॉरवर्ड बायस करेगी तो ऑन हो जाएगा, सप्लाई इसको रिवर्स बायस करेगी तो क्या हो जाएगा? ऑफ। तो बेटा हम जो है इसकी कोई भी स्टेट को ना तो ऑन स्टेट को कंट्रोल कर पा रहे ना तो ऑफ स्टेट को, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अनकंट्रोल डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। दिस इज द अनकंट्रोल डिवाइस। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे द ऑन, यहां पर इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, पावर डायोड इज ए अनकंट्रोल्ड डिवाइस, इट इज ए
अनकंट्रोल डिवाइस. द ऑन एंड ऑफ स्टेट, द ऑन एंड ऑफ स्टेट ऑफ द डिवाइस इज कंट्रोल्ड बाई द सप्लाई, कंट्रोल्ड बाई द सप्लाई. द ऑन एंड ऑफ स्टेट ऑफ द डिवाइस इज कंट्रोल्ड बाई द सप्लाई. कौन कंट्रोल करता है बेटा? सप्लाई कंट्रोल करती है. ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पावर डायोड इज ए पावर डायोड इज ए दैट इज थ्री लेयर दैट इज टू टर्मिनल एंड वन जंक्शन डिवाइस. दिस इज इंपॉर्टेंट. पावर डायोड इज ए थ्री लेयर टू टर्मिनल एंड दिस इज वन जंक्शन डिवाइस. पावर डायोड इज ए थ्री लेयर टू टर्मिनल एंड वन जंक्शन डिवाइस. ठीक है, दैट इज थ्री लेयर क्या होती है? दैट इज पी प्लस एन माइनस एन एन प्लस. टू टर्मिनल, दो टर्मिनल कौन कौन से होते हैं? एनोड और कैथोड. व्हाट इज द एनोड एंड कैथोड? एनोड और कैथोड मेन टर्मिनल कहलाते हैं. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द एनोड एंड कैथोड, द एनोड एंड कैथोड, द एनोड एंड कैथोड आर कॉल्ड, द एनोड एंड कैथोड आर कॉल्ड द मेन टर्मिनल्स. एनोड और कैथोड आपके मेन टर्मिनल कहलाते हैं. ठीक है, मेन टर्मिनल कौन से टर्मिनल होते हैं? मेन टर्मिनल ऑफ द डिवाइस आर द दोस टर्मिनल इन बिटवीन सोर्स एंड लोड आर कनेक्टेड. द नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द मेन टर्मिनल्स of a device are those terminals of the device in between source and load are connected, in between source and load are connected. Source और load जिन terminal के बीच में connect किए जाएंगे, उन terminal को हम device के main terminal बोलते हैं. Those terminal of the device are called the मेन टर्मिनल ऑफ द डिवाइस. ठीक है, अब उसके बाद आपका जो है जो पावर डायोड होता है वो स्विच के कितने मोड को सपोर्ट करता है? दो मोड को क्या करता है? सपोर्ट करता है. लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, पावर डायोड जो होता है वो स्विच के दो मोड को क्या करता है? सपोर्ट करता है. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द पावर डायोड सपोर्ट्स द टू मोड ऑफ ए स्विच. The power diode supports the two mode of a switch. Switch के केवल और केवल दो मोड को सपोर्ट करता है. कौन कौन से? फॉरवर्ड कंडक्शन एंड रिवर्स ब्लॉकिंग. दैट इज फर्स्ट स्टेज, Forward conduction mode, और दूसरा
रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, दैट इज फॉरवर्ड कंडक्शन को बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड FCM, और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड को बोलते हैं RBM। दो ही मोड को सपोर्ट करता है, मतलब जब मैं इसको फॉरवर्ड बायस करूंगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंडक्ट, फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब एनोड से कैथोड इज ऑलवेज कॉल्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। रिवर्स को ब्लॉकिंग मतलब दैट इज आपका रिवर्स में वोल्टेज को ब्लॉक करेगा, ठीक है, रिवर्स में वोल्टेज को ब्लॉक करेगा, ठीक है। तो लिख रहा हूं बेटा, क्योंकि आपका जो पावर डायोड है वो स्विच के, आपका पावर डायोड फॉरवर्ड कंडक्शन मोड को सपोर्ट करता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराता है, इसलिए ये आपका जो है कैसी डिवाइस है, यूनि डायरेक्शनल डिवाइस, एक ही डायरेक्शन में करंट, यूनि डायरेक्शनल डिवाइस है करंट के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे पावर डायोड, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे पावर डायोड इज ओनली सपोर्ट किस डायरेक्शन में कंडक्शन को सपोर्ट करता है, ओनली सपोर्ट, या फिर ओनली वर्ड छोड़ दो, पावर डायोड सपोर्ट फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, पावर डायोड इज सपोर्ट द फॉरवर्ड कंडक्शन मोड सो दैट एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करा सकता है, सो दैट पावर डायोड इज the unidirectional device, unidirectional device for current, current के लिए कैसी डिवाइस है, unidirectional device है, एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करा सकती है और वो डायरेक्शन होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। देखिए unidirectional device for the current, next आपका रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड को सपोर्ट करती है, मतलब एक ही डायरेक्शन में वोल्टेज। अच्छा ये बताओ, जो स्विच आपका पावर डायोड एक स्विच है और ये स्विच केवल एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करा रहा है, तो इसको हम डीसी स्विच बोलेंगे कि एसी स्विच बोलेंगे? एसी स्विच के लिए दोनों डायरेक्शन में करंट और वोल्टेज को ब्लॉक करना चाहिए, कंडक्शन भी दोनों साइड पे और ब्लॉकिंग भी दोनों साइड में, कैसा स्विच होगा, डीसी की एसी स्विच, डीसी से डीसी स्विच। तो एक पॉइंट लिखेंगे पावर डायोड इज ए डीसी स्विच, पावर डायोड इज ए डीसी स्विच कैसा स्विच है ये बेटा, डीसी स्विच है, दिस इज ए डीसी स्विच, इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम यूज फॉर ए डीसी कन्वर्जन। मैंने बोला इट इज यूज फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर डीसी कन्वर्जन, अगर आपको डीसी कन्वर्जन चाहिए तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप इस स्विच को क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे दैट इज जो आपका पावर डायोड है वो एक ही डायरेक्शन में वोल्टेज को ब्लॉक कर सकता है, तो दिस इज द यूनिडायरेक्शनल फॉर वोल्टेज। तो लिख रहा हूं पावर डायोड इज सपोर्ट is support the reverse blocking mode, power diode support the reverse blocking mode, hence power diode यूनिपोलर डिवाइस
फॉर वोल्टेज, वोल्टेज लिखना इंपॉर्टेंट है। अगर केवल मैंने यूनिपोलर लिख दिया तो इसका मतलब होगा कि करंट केवल एक ही टाइप के चार्ज कर रही है, लेकिन यहां मैंने यूनिपोलर के आगे लिखा है वोल्टेज के लिए यूनिपोलर है। एक ही डायरेक्शन में वोल्टेज को क्या कर सकता है ब्लॉकर, वो डायरेक्शन होती है रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, दिस इज ए यूनिपोलर डिवाइस फॉर वोल्टेज। ठीक है, दिस इज ए यूनिपोलर डिवाइस फॉर वोल्टेज। अब जो टोटल करंट इसमें फ्लो करेगा जब डिवाइस फॉरवर्ड कंडक्शन मोड को सपोर्ट करेगी, तो बेटा जो टोटल करंट आएगा, ठीक है, डायोड से, पावर डायोड से जो करंट पास करेगा, उसमें कुछ पार्ट आपका करंट जो फ्लो करेगा, कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन की वजह से, कुछ होल की वजह से। तो ये बाइपोलर डिवाइस होती है, जैसे ये बाइपोलर डिवाइस, बाइपोलर ना तो मैंने वोल्टेज लिखा ना तो करंट, बाइपोलर का मतलब दोनों टाइप के चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो करता है। लिख रहा हूं बेटा, नेक्स्ट लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन द पावर डायोड, इन द पावर डायोड, इन द पावर डायोड द करंट, करंट इज फ्लोइंग इन द पावर डायोड, द करंट फ्लोइंग थ्रू द डिवाइस, द करंट in the power diode, the current flowing through the device is, in the power diode, the current flowing through the device is due to the both type of charge carriers, जो current flow करेगा device से वो दोनों type के charge, the current flowing through the device is due to the both type of the charge carrier, that is due to electron and due to hole, that is इलेक्ट्रॉन की वजह से भी कुछ करंट फ्लो करता है और होल की मूवमेंट की वजह, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड ड्यू टू होल्स। ठीक है, दोनों टाइप का मतलब है इलेक्ट्रॉन की वजह से भी कुछ करंट आएगा, होल की वजह से करंट आएगा। देयरफोर जो करंट होता है वो दोनों टाइप के चार्ज के, देयरफोर पावर डायोड इज ए बाइपोलर डिवाइस। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। बाइपोलर का मतलब केवल ना तो यहां मैंने आगे वोल्टेज लिखा है ना तो करंट लिखा, तो इसका मतलब है कि आपका जो है यहां पर जो बात हो रही है वो चार्ज कैरियर के मूवमेंट, जो करंट आएगा पावर डायोड में वो दोनों टाइप के चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो करता है, कुछ करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से, कुछ करंट होल की वजह से। सारे पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आना चाहिए। यहां मैंने करंट लिखा है, यहां वोल्टेज, यहां कुछ नहीं लिखा है। तो बाइपोलर का मतलब होता है कितने टाइप के चार्ज कैरियर। सर फॉरवर्ड में वोल्टेज अनडिफाइंड होता है क्या? फॉरवर्ड में वोल्टेज अनडिफाइंड नहीं होता, आप किसी भी डिवाइस में फॉरवर्ड वोल्टेज उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से लगा सकते हैं, उतना ही वोल्टेज लगा सकते हैं कि जब आपकी डिवाइस कंडक्शन मोड को सपोर्ट करेगी तो उसमें पावर लॉस होगा, पावर लॉस की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, तुम्हारा फैन है, ठीक है, फैन में आप देखेंगे डिफाइंड होता है फॉरवर्ड, अनडिफाइंड कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप एक लिमिट तक ही फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कि जब तक डिवाइस आपकी सेफली ऑपरेट कर पाए। ठीक है, जनरली आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है कि आप जो है अपनी डिवाइस को किस वोल्टेज लेवल पे ऑपरेट करना चाहते हैं, अनडिफाइंड नहीं बोल सकते उसको। ठीक है, रेटिंग नहीं दी होती है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दैट आप जो आपके पास वोल्टेज अवेलेबल होता है 230 पे भी आप यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट कहाँ यूज करना चाहते हैं, लेकिन उसकी रिवर्स वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज अप्लाई नहीं कर सकते। रिवर्स में वोल्टेज आपका बिल्कुल फिक्स है, फॉरवर्ड में फिक्स नहीं है, लेकिन इनफाइनाइट वोल्टेज नहीं कर सकते। ठीक है, कि आप इनफाइनाइट अप्लाई कर, क्योंकि आप देखेंगे
कि अगर आप इनफाइनाइट वोल्टेज अप्लाई करें तो करंट इनफाइनाइट हो जाएगा, अगर फॉरवर्ड एक्स में इनफाइनाइट करंट फ्लो करेगा तो आपकी डिवाइस में पावर लॉस फॉरवर्ड एक्स में बहुत ज्यादा होगा, आपकी डिवाइस फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी डैमेज हो सकती है, ओवर करंट फ्लो कर जाएगा। हेलो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप डिवाइस जब आपकी कंडक्शन करेगी तो करंट रेटिंग आपकी डिफाइंड होती है कि मैक्सिमम कितना करंट फ्लो करा सकती है। आपने फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाया तो डिवाइस से करंट भी फ्लो करेगा, लेकिन फॉरवर्ड वोल्टेज हम उतना ही बढ़ा सकते हैं जब तक डिवाइस से ओवर करंट ना फ्लो करे, क्योंकि जैसे जैसे मैं फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाता जाऊंगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट, क्योंकि जैसे जैसे फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे लोड के क्रॉस वोल्टेज बढ़ता जाएगा, लोड के क्रॉस वोल्टेज बढ़ता जाएगा तो डिवाइस से फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी करंट क्या होता जाएगा, बढ़ता है। मीटर लगा के रखेंगे और जैसे ही आप फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दें कि उससे बेटा उसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो मैक्सिमम करंट है वो फ्लो करने लगा, अब उससे ज्यादा फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे। हिमतेश, जो मैं बोल रहा हूं वो समझ रहे हो ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप अनडिफाइंड वोल्टेज अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो करंट भी बढ़ेगा, अब रेटिंग से ज्यादा करंट फ्लो करा देंगे तो डिवाइस क्या होगी, ओवर करंट की वजह से डैमेज हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स में वोल्टेज की लिमिट है कि अगर इससे ज्यादा रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करोगे तो डैमेज हो जाएगी, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रेटिंग होती है वो करंट डिफाइन करता है, रिवर्स डायरेक्शन में जो रेटिंग होती है वो आपका वोल्टेज डिफाइन करता है। ठीक है, तो आप जब भी फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाओगे फॉरवर्ड वोल्टेज की वजह से फॉरवर्ड करंट फ्लो करेगा, अब उससे ओवर रेटेड करंट फ्लो नहीं करना चाहिए, उतना ही फॉरवर्ड वोल्टेज हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वीआई करेक्टरिस्टिक ऑफ ए पावर डायोड, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लिखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग का लिए वीआई करेक्टरिस्टिक ऑफ ए पावर डायोड, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है वीआई करेक्टरिस्टिक ऑफ ए पावर डायोड, वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पावर डायोड। चलो आपको समझाने के लिए मैं दोनों डायोड की करैक्टरिस्टिक एक साथ ड्रॉ कर रहा हूं, जिससे कि आपको समझ में आए कि दोनों की करैक्टरिस्टिक में क्या अंतर है। ठीक है, चलो नाउ अब देखेंगे, जैसे एक्स वाई प्लेन होता है तो एक्स वाई में जो पहले लिखा होता है उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ड्रॉ करते हैं और जो बाद में लिखा होता है उसको वर्टिकल एक्सिस। तो वीआई करैक्टरिस्टिक में हॉरिजॉन्टल में मैं वोल्टेज दिखाऊंगा, डायोड का वोल्टेज और बेटा डायोड का करंट। ठीक है, चलो नाउ दिस इज द वीआई करैक्टरिस्टिक ड्रॉ करने जा रहे ऑफ द पावर डायोड, दिस इज द वर्टिकल एक्सिस, दिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इस साइड आप जो है डायोड का करंट ड्रॉ करेंगे, डायोड करंट बोलिए या फिर डायोड के क्रॉस जो आप वोल्टेज मानते हैं। हेलो, इस बार इस साइड पे आप डायोड का वोल्टेज ड्रॉ करेंगे, डायोड का जो वोल्टेज माना जाता है वो एनोड से कैथोड होता है, जनरली उसको एनोड टू कैथोड वोल्टेज बोलते हैं, डायोड वोल्टेज बोलिए या फिर आप बोल सकते हैं दिस इज एनोड टू कैथोड वोल्टेज। ठीक है, और जो करंट माना जाता है डायोड से वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में माना जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में डायोड के करंट को आईडी से प्रिंट करते हैं, फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो करंट होता है उसको हम एनोड से कैथोड की तरफ है तो उसको हम एनोड करंट से भी क्या करते हैं। पावर डायोड में जब करंट फ्लो करेगा तो जनरली कहां पर कितना करंट फ्लो करेगा, किलो एम्पियर में करंट फ्लो करेगा, तो जनरली ये किसमें होगा, किलो एम्पियर में करंट फ्लो करेगा, एम्पियर से स्टार्ट होगा, किलो एम्पियर तक करंट जाने वाला है। ठीक है, चल अब मैं आपको जो है दोनों की करैक्टरिस्टिक बना के बता रहा हूं, पहले देख लीजिएगा, बनाइएगा नहीं, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, पहले मुझको बना लेंगे समझ लीजिए उसके बाद, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी कि सर ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं करैक्टरिस्टिक बना रहा हूं, इतना केवल बना के छोड़ दीजिए, पहले मुझे दोनों करैक्टरिस्टिक बना लेने दीजिए, उसके बाद आप करैक्टरिस्टिक बनाइएगा। ठीक है, चलो हो गया, बनाना स्टार्ट करें, ध्यान से समझिएगा, कुछ भी रटना नहीं है, ओनली यू कैन बी टेकर, जो मैं आपको चीजें बताया हूं उसी चीज को कंसंट्रेट करेंगे। देखो नाउ ये मेरे पास एक सिग्नल डायोड है, दिस इज ए सिग्नल डायोड, ये मेरे पास एक सिग्नल डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड है। ठीक है, दिस इज ए पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, नाउ दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड। ठीक है, यहां कुछ नहीं लगाया तो ये मॉडरेट डोपिंग है, मॉडरेट डोपिंग। ठीक है, डोपिंग इज ए मॉडरेट डोपिंग विल बी देयर, मॉडरेट डोपिंग विल बी देयर। ठीक है, अब देखो मैं इसको फॉरवर्ड बायस कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको क्या कर रहा हूं, फॉरवर्ड बायस कर रहा हूं, यहां मैंने लोड लगाया और यहां पर मैंने इसको
फॉरवर्ड बायस किया। ध्यान से देखते जाइएगा, फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई किया, अच्छा बाजार से लेके आएंगे तो डिप्लीशन लेयर बनी रहेगी, ठीक है। डिप्लीशन लेयर मैंने बताया था कि इसमें जो है बाजार से जब लेके आते हैं तो जो डिफ्यूजन हो रहा होता है वो रुक जाता है। डिफ्यूजन जो है रोकने के लिए कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड। एग्जाम्पल लिया था कि सिलिकॉन में, ये सिलिकॉन का डायोड है, सिलिकॉन में डिफ्यूजन रोकने के लिए जो क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फिक्स होगी। तो दैट इज मैंने बताया था क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए 6 पॉजिटिव और 6 निगेटिव चार्ज होने चाहिए। तो चलो यहाँ पे 6 पॉजिटिव 6 निगेटिव चार्ज, ये बताओ दोनों साइड डोपिंग क्या है? समान है। अगर डोपिंग समान है तो यहां पर बेटा 6 निगेटिव चार्ज के लिए P में जितनी दूर जाना पड़ेगा उतना N में 6 पॉजिटिव के लिए जाना पड़ेगा। तो दोनों साइड पे विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर क्या होगी? समान होगी। ध्यान से देखिए, क्योंकि दोनों साइड डोपिंग सेम है तो जितनी डिस्टेंस में यहां 6 पॉजिटिव चार्ज मिलेगा यहां पर 6 निगेटिव चार्ज मिलेगा। बना भी देता हूं मैं आपको समझाने के लिए, मैं प्रॉपरली बना भी रहा हूं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। दोनों साइड डोपिंग बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है तो सेम डिस्टेंस पे यहां पर जितना 6 निगेटिव चार्ज मिलेगा उतनी डिस्टेंस पे 6 पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज प्लस 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 और उतनी डिस्टेंस में यहां पर 6 निगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से आपका यहां पर कौन सी फील्ड है बेटा? दिस इज नथिंग बट द सफिशियंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन सी फील्ड है यहां पर? दिस इज सफिशियंट इलेक्ट्रिक फील्ड। सफिशियंट इलेक्ट्रिक फील्ड, सफिशियंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थिकनेस में है? इतनी थिकनेस में है। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड को जब आप थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेंशियल आ जाएगा। तो इस समय कौन सा पोटेंशियल होता है बेटा? बैरियर पोटेंशियल होता है, ठीक है। दिस इज ए बैरियर पोटेंशियल जो कि कितना होता है सिलिकॉन के केस में? 0.7 वोल्ट होता है, ठीक है। तो जब तक आपका फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज इस बैरियर पोटेंशियल से कम होगा तब तक डिप्लीशन लेयर रहेगी, और डिप्लीशन लेयर रहेगी तो कंडक्शन हो करेगी। जब मैं फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते आपका किसके बराबर कर दूंगा, जब मेरा फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज आपके बैरियर पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा तो विफ्ट खत्म हो जाएगी और आपका कंडक्शन स्टार्ट हो सकता है। और जैसे इसको बढ़ाऊंगा उससे ज्यादा करूंगा तो कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो यहां पर करते हैं। तो बैरियर पोटेंशियल जो है यहां पर देखो, सफिशियंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इतनी थिकनेस में आपका क्या किया? जनरेट किया। अगर थिकनेस कम है तो बैरियर पोटेंशियल भी क्या है? कम है। एनालॉग में, एनालॉग या फिर पीएन जंक्शन डायोड में थिकनेस ये है, दिस इज द थिकनेस। थिकनेस आपकी कम है तो बैरियर पोटेंशियल क्या है? कम है, ठीक है। चलो यहां मैं बना रहा हूं, पहले मैं आपके सिग्नल डायोड के लिए करेक्टिव बना रहा हूं। मैं इसको फॉरवर्ड बायस करूं, फॉरवर्ड बायस का मतलब दैट इज एनोड इज मेड पॉजिटिव, एनोड इज मेड पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा? कैथोड। जैसे आप एनोड इज मेड पॉजिटिव रिस्पेक्ट टू कैथोड करेंगे एनालॉग डायोड में, आपका एनालॉग डायोड कौन से नोड को सपोर्ट करेगा? फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। लेकिन कितने फॉरवर्ड वोल्टेज के बाद? दैट इज बैरियर पोटेंशियल। तो बैरियर पोटेंशियल कितना होता है मैं बना रहा हूं, दैट इज बी गामा। आपको बड़ा बना रहा हूं, बड़ा बना रहा हूं कि आपको समझ में आए, ठीक है। इतना बड़ा नहीं होता, दैट इज आपका बैरियर पोटेंशियल यहां कहीं बनाते यहां कहीं 0.7, बहुत छोटा वोल्टेज होता है, ठीक है। लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं यहां बड़ा बना। नाउ दिस इज V of gamma, this is for 0.7 volt होता है। कितना volt होता है? 0.7 volt होता है। तो जब तक आपका forward applied voltage barrier potential या फिर barrier potential से क्या है? कम है, तब तक conduction नहीं होगा। Conduction नहीं होगा तो characteristic कैसी बनेगी? Like this, this is the characteristic, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप अपने फॉरवर्ड वोल्टेज को क्या करेंगे? बैरियर पोटेंशियल से बढ़ाएंगे, आपका डायोड क्या करने लगेगा? पीएन जंक्शन डायोड कंडक्ट करेगा। और जब कंडक्ट करेगा तो मिली एम्पियर से करंट को फ्लो कराएगा। मिली एम्पियर से जब करंट को फ्लो कराएगा तो जब तक आप ये डायोड से मिली एम्पियर में करंट फ्लो करेगा तब तक डायोड का करंट और डायोड का वोल्टेज एक्सपोनेंशियल द्वारा रिलेशन द्वारा गवर्न होता है, एक्सपोनेंशियल के रखते सीखे। लेकिन जब करंट आपका डायोड से वेरी वेरी हाई करंट होगा, मिली एम्पियर में, एम्पियर में 1000 गुना जब बढ़ जाएगा तो दैट करंट इज वेरी वेरी हाई फॉर द एनालॉग डायोड। अगर एनालॉग डायोड से एम्पियर में करंट फ्लो करेगा तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा करंट होता है। अगर बहुत ज्यादा करंट है तो अगर डायोड से एम्पियर में करंट फ्लो करेगा तो डायोड का करंट और वोल्टेज आपके एक्सपोनेंशियल रिलेशन की जगह किसमें का किस रिलेशन द्वारा गवर्न होते हैं? लीनियर रिलेशन, करेक्टिस्टिक लीनियर बनने लगती है। तो कुछ ऐसी करेक्टिस्टिक आएगी, शुरुआत में मिली एम्पियर में करंट फ्लो करेगा तो एक्सपोनेंशियली करंट इंक्रीज करेगा। एक्सपोनेंशियली करंट क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। कब तक? जब तक मिली एम्पियर में। लेकिन मिली एम्पियर के बाद जब करंट बढ़ता जाएगा डायोड से जब एम्पियर में करंट फ्लो कराएगा तो डायोड के जो करंट और वोल्टेज होते हैं वो किस रिलेशन द्वारा गवर्न होते हैं? लीनियर। तो उसके बाद कैसी करेक्टरिस्टिक बनती है? लीनियर करेक्टरिस्टिक।
कैसी? लीनियर। तो दिस इज द, यहां पर जो मैंने करेक्टरिस्टिक बनाई है वो कैसी बनाई, यहां पर मिली एम्पियर में करंट फ्लो कर रहा है, मिली एम्पियर में करंट फ्लो कर रहा है, और ये करेक्टरिस्टिक कैसी है? एक्सपोनेंशियल करेक्टरिस्टिक, एक्सपोनेंशियल करेक्टरिस्टिक। और यहां पर जो है, यहां पर अगर बात किया जाए, यहां पर एम्पियर में करंट फ्लो करा है, दिस करंट इज नथिंग बट द एम्पियर में। और जब भी डायोड से एम्पियर में करंट फ्लो करेगा तो हमेशा डायोड के करंट वोल्टेज लीनियर रिलेशन द्वारा गवर्न होंगे, तो करेक्टरिस्टिक कैसी आएगी? लीनियर करेक्टरिस्टिक द्वारा आएगी। दिस इज व्हेन एनोड इज मेड पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। और करेक्टरिस्टिक आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसके पास है बेटा? पॉजिटिव वर्टिकल एक्सिस के पास है। तो आपका जो है, जो एनालॉग डायोड है, वो किस करेक्टरिस्टिक, किस मोड को सपोर्ट करेगा? फॉरवर्ड कंडक्शन मोड को सपोर्ट करेगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं दैट इज द फॉरवर्ड कंडक्शन मोड को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर। अब हम पावर डायोड के बारे में बात करेंगे, ठीक है? पावर डायोड के बारे में आते हैं, ध्यान से देखिएगा पावर डायोड। तो दिस इज द आपकी फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में जो करेक्टरिस्टिक आएगी वो मैंने बना दी। ये किसके लिए मैंने बनाया? दिस इज फॉर एनालॉग डायोड। दिस इज फॉर, यहां मैं लिख भी देता हूं, ये करेक्टरिस्टिक जो मैंने बनाई है ये किसके लिए बेटा? ये जो करेक्टरिस्टिक मैंने बनाई है, दिस इज फॉर एनालॉग डायोड या फिर पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। देखते जाइएगा, बनाइएगा नहीं, पीएन जंक्शन डायोड, या फिर आप बोल सकते हैं सिग्नल डायोड के लिए बने, ठीक है? अब हम आते हैं पावर डायोड के लिए, ठीक है? पावर डायोड, एक मिनट, चलिए अब जरा हम पावर डायोड के बारे में बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा पावर डायोड के स्ट्रक्चर बना रहा हूं बेटा, दिस इज पावर डायोड। ध्यान से देखिएगा, पावर डायोड आपका थ्री लेयर डिवाइस है, दिस इज ए थ्री लेयर, दिस इज पी प्लस, दिस इज N माइनस एंड दिस इज N प्लस, ठीक है? जंक्शन यहां बनता है बेटा, दिस इज द जंक्शन, ठीक है? दिस इज द जंक्शन। नाउ इसको फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, इसको फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं, इसको भी हम फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं। सिलिकॉन का मटेरियल यूज करते हैं जितनी भी सेमी कंडक्टर डिवाइस होती है उनको बनाने के लिए। नाउ इसको फॉरवर्ड बायस कर, बैरियर पोटेंशियल के बारे में जरा मुझे बताओ, किसमें बैरियर पोटेंशियल ज्यादा होगा, किसमें बैरियर पोटेंशियल कम होगा? पावर डायोड में बैरियर पोटेंशियल ज्यादा होगा कि पावर डायोड में बैरियर पोटेंशियल कम होगा?
बैरियर पोटेंशियल देखो, सिलिकॉन है, सिलिकॉन में अगर आपको डिफ्यूजन रोकना है तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करनी है, सफिशियंट अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करनी है। सफिशियंट अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए 6 पॉजिटिव और 6 निगेटिव चार्ज चाहिए, 6 पॉजिटिव और 6 निगेटिव चार्ज चाहिए, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां पर मैंने डोपिंग आपकी क्या कर रखी है, बढ़ा रखी है। डोपिंग बढ़ाने पे 6 निगेटिव चार्ज आपको यहां पर कम डिस्टेंस में मिल जाएंगे। डोपिंग मैंने यहां पर बढ़ा रखी है तो यहां पर देखो इसके मुकाबले यहां पर डोपिंग ज्यादा, तो यहां पर 6 निगेटिव चार्ज आपको कम डिस्टेंस पे मिल जाएंगे, 6 निगेटिव चार्ज आपको कम डिस्टेंस पे मिल जाएंगे। 6 निगेटिव चार्ज मैं बना रहा हूं लेकिन डिस्टेंस क्या है, कम, कम डिस्टेंस में मिल जाएंगे, डोपिंग ज्यादा है, ठीक है। इसके मुकाबले यहां पर जो है विफ्त ज्यादा हो, यहां पर कम, लेकिन यहां पर आप देखिए डोपिंग बहुत कम है, डोपिंग बहुत कम है, तो 6 पॉजिटिव चार्ज के लिए यहां पर बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे जाना पड़ेगा। 6 पॉजिटिव चार्ज के लिए डोपिंग आपने बहुत कम कर रखी है, डोपिंग कम है तो दूर दूर होंगे, दूर दूर होंगे, तो 6 निगेटिव चार्ज के लिए यहां तो कम डिस्टेंस में गया लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा डिस्टेंस में जाना पड़ेगा। तो ओवरऑल आप देखेंगे यहां भी मैंने कौन सी फील्ड जनरेट की है, सफिशियंट अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफ्यूजन रुक गया, सफिशियंट अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, सफिशियंट अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, सफिशियंट अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर डेवलप हुई है, डिफ्यूजन रुक गया, लेकिन थिकनेस क्या है यहां पर, थिकनेस आपकी मोर है, थिकनेस मोर एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। यहां पर थिकनेस आपकी क्या है, कम है, यहां पर थिकनेस आपकी क्या है, कम है, यहां पर थिकनेस कम है, लेकिन यहां पर थिकनेस क्या है आपके सिग्नल डायोड या फिर एनालॉग डायोड के कंपेयर में, यहां पर थिकनेस, यहां पर थिकनेस आपकी कम है और यहां पर थिकनेस ज्यादा है, तो ज्यादा थिकनेस पे आपने सफिशियंट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप की है, तो यहां पर जो बैरियर पोटेंशियल होगा, यहां पर जो बैरियर पोटेंशियल होगा वो आपके सिग्नल डायोड से क्या होगा, ज्यादा होगा। पावर डायोड में जो बैरियर पोटेंशियल होता है 1 वोल्ट या फिर आपका 1.5 वोल्ट के आसपास होता है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। एन माइनस लेयर, यहां पर देखो डोपिंग ज्यादा है, यहां पर डोपिंग कम है, तो यहां पर जो है 6 पॉजिटिव चार्ज के लिए काफी ज्यादा डिस्टेंस पे जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से सेम सफिशियंट डिफ्यूजन रोकने के लिए सफिशियंट इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने डेवलप की, लेकिन यहां पर आपका विफ्त क्या है, इस लेयर की वजह से थिकनेस आपकी बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से आपका जो है बैरियर पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप देखेंगे पावर डायोड में जब तक मेरा फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल से कम रहे या फिर उसके बराबर होगा तब तक तो ये कंडक्ट करेगा नहीं, लेकिन जैसे ही मैं फॉरवर्ड वोल्टेज को बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा अप्लाई करूंगा ये कंडक्शन क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, और जब ये कंडक्शन स्टार्ट करेगा तो कितना करंट फ्लो कराएगा, एम्पियर में करंट फ्लो कराएगा। अगर एम्पियर में करंट फ्लो कराएगा तो करेक्टरिस्टिक आपका जो है डायोड के वोल्टेज करंट किस रिलेशन द्वारा गवर्न होंगे, लीनियर रिलेशन द्वारा गवर्न होंगे कि एक्सपोनेंशियल रिलेशन द्वारा गवर्न होंगे, कैसे होंगे, लीनियर रिलेशन द्वारा गवर्न होंगे, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए पावर डायोड के लिए, पावर डायोड का जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो सिग्नल डायोड से ज्यादा होता है, बिकॉज ड्यू टू द एन माइनस लेयर आपका पी प्लस में आप कम डिस्टेंस में मिलेगा, सेम चार्ज आपको ज्यादा डिस्टेंस में मिलेगा एन माइनस, जिसकी वजह से विफ्त ऑफ द डिप्लीशन लेयर बढ़ जाएगी, डिफ्यूजन जो रुकना था, सफिशियंट इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा थिकनेस में जनरेट होगा, जिसकी वजह से आपका जो बैरियर पोटेंशियल होगा, दैट इज बैरियर पोटेंशियल, दैट इज वी ऑफ गामा, पावर डायोड में क्या होगा, 1 वोल्ट या फिर 1.5 वोल्ट के आसपास होता है, ठीक है। तो जब तक आपका फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल से क्या होगा, कम होगा, तब तक डायोड कंडक्ट करने वाला नहीं है। तो पावर डायोड में बना रहा हूं कि जब तक मेरा फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज मेरे बैरियर पोटेंशियल से कम है या फिर उसके बराबर है तब तक आपका कंडक्ट नहीं हो रहा, दैट करंट बिकम्स इक्वल टू जीरो, ये मैं बना रहा हूं पावर डायोड के लिए, कंडक्शन जीरो, बैरियर पोटेंशियल से बढ़ेगा, डायोड कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा, एम्पियर में करंट, अगर डायोड से एम्पियर में करंट है तो डायोड का वोल्टेज और करंट के बीच में कैसा ग्राफ होगा, लीनियर करेक्टली, कैसा ग्राफ बनेगा, लीनियर, लगभग ये लीनियर होता है, पावर डायोड का जो करेक्टरिस्टिक आएगा वो कैसा आएगा, लीनियर करेक्टरिस्टिक, दिस इज द लीनियर करेक्टरिस्टिक, ये कैसी करेक्टरिस्टिक होगी, लीनियर होगी, कैसी होगी, लीनियर होगी, ठीक है। और आप देखेंगे दिस इज, अच्छा ये बताओ
1 वोल्ट और ये 1 वोल्ट के आसपास तो यहां कहीं होगा, मैंने आपको दिखाने के लिए इतना बड़ा बनाया, तो यहां पर होगा 1 वोल्ट के आसपास, और फिर लीनियर आएगा तो करेक्टरिस्टिक कहां पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन किसके पास, पॉजिटिव वर्टिकल एक्सिस, तो कौन सा मोड है, दैट इज फॉरवर्ड कंडक्शन मोड को सपोर्ट करेगा, तो पावर डायोड इज सपोर्ट द फर्स्ट मोड ऑफ एक्सीलरेशन, दैट इज फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, और ये करेक्टरिस्टिक जो मैंने बनाई है वो किसके लिए बनाई है, ये है आपकी पावर डायोड, पावर डायोड, ठीक है। किसी को कोई शक हो तो बताओ, फॉरवर्ड कंडक्शन, जैसे आप एनोड इज मेन पॉजिटिव पर टू कैथोड करेंगे, आपका जो है, जब तक आपका फॉरवर्ड अप्लाइड आपके पावर डायोड के बैरियर पोटेंशियल से कम होगा तब तक कंडक्शन जीरो होगा, लेकिन जैसे आप उसमें क्या करेंगे, आप जो है क्या करने वाले हैं, बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करेगा, कंडक्शन करेगा, और ये जो करंट है वो एम्पियर से लगा के कहां तक जाएगा, किलो एम्पियर, जो करंट होता है पावर डायोड का वो किसमें होता है, किलो एम्पियर, एम्पियर से लेके किलो एम्पियर, स्टार्टिंग में एम्पियर में फ्लो करेगा और बाद में जैसे जैसे फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे किलो एम्पियर में जाएगा, और मैक्सिमम कितना, 1 किलो एम्पियर से लेके 2 किलो एम्पियर तक करंट फ्लो करा सकता है, तो दिस इज द बैरियर पोटेंशियल फॉर पावर डायोड, याद रखिएगा, बैरियर पोटेंशियल फॉर पावर डायोड, दिस इज बैरियर पोटेंशियल फॉर, बैरियर पोटेंशियल फॉर सिग्नल डायोड, फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक बना लीजिए, दोनों की मैं आपको बना रहा हूं, बना लीजिए, इतनी अब बना लीजिए, अब मैं रिवर्स के बारे में बात कर रहा हूं, इतना बना लीजिए, फिर उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एन माइनस लेयर की वजह से जो सफिशियंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज्यादा डिस्टेंस पे डेवलप होगी, और थिकनेस जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा आपका जो है दैट इज क्या होने वाला है, बैरियर पोटेंशियल होने वाला है, क्योंकि आपका सफिशियंट के करस्पॉन्डिंग ही बैरियर पोटेंशियल डेवलप होता है। क्यों लीनियर आ रही है अब आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पावर डायोड जब भी कंडक्ट करेगा तो किलो एम्पियर में, एम्पियर में करंट आएगा, एम्पियर में अगर डायोड का करंट हो तो लीनियर, ये चीज आपका एनालॉग में नहीं पढ़ाई जाती क्योंकि वहां पर मिली एम्पियर में वर्किंग करते हैं। चलो बना लीजिएगा तो मुझे इंटीमेट कर दीजिएगा, रिवर्स करेक्टरिस्टिक बनाने जा रहे हैं, राजन मौर्य का हो गया, 3-4 लोगों ने बना लिया है, जल्दी जल्दी बनाए बेटा, विजय कुमार का भी हो गया है, विजय कुमार बहुत हंस रहे हो, तुम हमेशा हंसते रहते हो, अच्छी चीज है, ठीक है, हमेशा हंसते रहना चाहिए, हो गया डन, चल आज रिवर्स में सर पावर डायोड का नी वोल्टेज जिन, हाँ बिल्कुल अलग अलग होता है, देखो सिलिकॉन मोस्टली सिलिकॉन यूज करते हैं, जो मेन बार हम यूज करते हैं पगला गए होगा तुम लोग, ये जो मेन बार मैंने लिया था जिसमें डोपिंग की थी वो सिलिकॉन का होता है, मैंने बताया था सिलिकॉन क्यों प्रेफर किया जाता है, क्योंकि आप देखेंगे इसमें जो है लीकेज करंट कम होता है, इसकी टेम्परेचर या फिर थर्मल कैपेबिलिटी क्या होती, कम होती है, जर्मेनियम यूज नहीं करते, जर्मेनियम महंगा भी होता है, अवेलेबिलिटी भी कम होती है, ठीक है, हाँ विनय नाम है, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ विनय मैंने कुछ अलग बोल दिया था क्या, विजय बोल दिया था क्या, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, चलो तो यहां पर हम बात करते हैं, ठीक है, तो जितनी भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेज हैं वो जनरली सिलिकॉन के मेन जो कंपोनेंट होता है, मेन बार होता है जिसमें डोपिंग करते हैं वो सिलिकॉन का होता है, ठीक है, जैसे आपने इंट्रिंजिक या फिर एक्सट्रिंजिक जो पढ़ा था उसमें आपने सिलिकॉन में डोपिंग की थी, पेंटावेलेंट एंड आपका जो है दैट इज नथिंग बट द ट्राइवेलेंट, शशिकांत सर मेरा मैसेज नहीं जा रहा है, अरे तुम्हारा मैसेज इसलिए नहीं जा रहा होगा तुम्हारा मोबाइल की बटन खराब हो गई होगी, ठीक है, मैसेज आएगा तो पढ़ेंगे जरूर, ठीक है, लेकिन उन्हीं मैसेजों का आंसर करते हैं जो रिलेवेंट होते हैं, बकवास वाले मैसेजों का नहीं, कई तो अंड बंड कुछ भी भेजते रहते हैं, है ना, अभी एक दिन अंशु लिख रहा था कि सर आप हिंदी में लिखा रहे हैं इंग्लिश में लिखा रहे हैं आप पगला गए हो, हम बेटा जिस दिन पगला जाएंगे उस दिन तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा, है ना, है ना, कुछ सोच के बोला करो क्या बोल रहे हो किसको बोल रहे हो, ठीक है, रिप्लाई मैंने नहीं किया था, मैसेज मैं सबके पढ़ता हूँ कि तुम लोग क्या लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे हो,
ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं रिवर्स बायस में, ठीक है। रिवर्स बायस, व्हेन एनोड इज मेड नेगेटिव रिस्पेक्ट टू कैथोड, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। यहां पर आप जो है निगेटिव डायोड करंट ड्रॉ कर रहे हैं और यहां पर आपका जो वोल्टेज है वो वीडी माइनस निगेटिव रिवर्स वोल्टेज। वीडी, वीडी की वैल्यू निगेटिव कब आती है? जब आप रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं। मैंने दिखाया था आपको कि वीडी निकालते थे करंट के लिए, जब रिवर्स वोल्टेज अप्लाई तो वीडी की वैल्यू, अगर मैंने 1 वोल्ट का रिवर्स वोल्टेज अप्लाई तो वीडी की वैल्यू -1 होती थी, अगर 2 वोल्ट का रिवर्स वोल्टेज अप्लाई तो वीडी की वैल्यू -2 होती थी, और करंट भी उस समय निगेटिव आता तो करेक्टिस्ट थर्ड क्वाड्रेंट में बनती थी, ठीक है। चलो एनालॉग डायोड के बारे में बात करते हैं। एनालॉग डायोड में जब मैं रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करूंगा, हेलो, जब मैं रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करूंगा तो आपका क्या होगा बेटा, रिवर्स डायरेक्शन में आपको पहली चीज है, जैसे जैसे मैं रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाता जाऊंगा, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर बढ़ती जाएगी और डिप्लीशन लेयर से केवल कौन सी, या फिर डिवाइस से केवल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पास करेंगे, ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर रिवर्स डायरेक्शन में आपका कौन सा करंट फ्लो करेगा, लीकेज करंट, या फिर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर करंट क्या करेगा, पास करेगा। और जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर बढ़ती जाएगी, डिप्लीशन लेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, बॉन्ड ब्रेक होते जाएंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा और लीकेज करंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो पहले हम लोग एनालॉग डायोड के बारे में बात करते हैं, एनालॉग के लिए, एनालॉग के लिए बना रहे, ठीक है। दैट इज एनोड इज मेड, एनोड इज मेड नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। जैसे ही आप जो है अपने सिग्नल डायोड या फिर एनालॉग डायोड को में क्या करेंगे, व्हेन एनोड इज मेड नेगेटिव रिस्पेक्ट टू कैथोड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। और जैसे जैसे आप रिवर्स वोल्टेज को अप्लाई करेंगे या फिर रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर बढ़ती जाएगी, आपका डिप्लीशन लेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, बॉन्ड ब्रेक होते जाएंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो करंट रिवर्स डायरेक्शन में अगर निगेटिव करंट पास करेगा तो करेक्टिस्ट थर्ड पॉइंट, जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज आपका। और ये बताओ जो सिग्नल डायोड होता है, सिग्नल डायोड होता है उसमें जो लीकेज करंट होता है वो कितना होता है, सिलिकॉन का मैंने यूज किया, सिलिकॉन के लिए लीकेज करंट किसमें है, नैनो एम्पियर में होता है। तो नैनो एम्पियर मतलब 10 to the power -9, तो मैं बना रहा हूं करेक्टरिस्टिक। जैसे जैसे आप जो है अपने रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, लीकेज करंट भी क्या होता जाएगा, रिवर्स बायस में कौन सा करंट पास करेगा, लीकेज करंट, रेड कलर से बना रहा हूं, जैसे रेड कलर। जैसे जैसे आप रिवर्स वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, आपका जो है आपका डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या हो रही है, बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब आप जो है रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते कितना कर देंगे, VBR, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज जो कि जनरली कितना होता है सिग्नल डायोड के लिए, 50 वोल्ट तक का रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे, उस समय आपके जंक्शन के क्रॉस या फिर डिप्लीशन लेयर के क्रॉस या फिर जंक्शन के क्रॉस क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे आपके सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, जिससे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस से पास करेगा, कंसंट्रेशन ज्यादा है तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर रिवर्स करंट क्या होगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा, करंट इज वेरी वेरी हाई। तो मैंने करंट सडनली दिखाया कि सडनली करंट क्या होगा, काफी ज्यादा करंट, दैट करंट इज वेरी वेरी हाई इन द रिवर्स डायरेक्शन, वोल्टेज अक्रॉस द डिवाइस इज वेरी वेरी हाई, तो पावर लॉस अक्रॉस द डिवाइस इज वेरी वेरी हाई। इमीडिएटली पावर लॉस ज्यादा होने से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा बढ़ जाएगा, इमीडिएटली डिवाइस क्या हो जाएगी, बर्नआउट हो जाएगी। तो दिस इज नथिंग बट डार्क, जैसे ही आप जो है रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज अप्लाई करेंगे, आपका क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, सारे सारे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो रिवर्स डायरेक्शन में वेरी वेरी हाई करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। करंट इज वेरी वेरी हाई इन द रिवर्स डायरेक्शन थ्रू द डायोड, वोल्टेज अक्रॉस द डिवाइस इज आल्सो वेरी वेरी हाई, पावर लॉस अक्रॉस द डिवाइस इज वेरी वेरी, जिसकी वजह से टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाएगा, इमीडिएटली डायोड का जगह बर्न आउट हो जाएगा। ये जो करंट है एनालॉग डायोड के लिए, जो करंट है आपका, जो आपका सिग्नल डायोड में जो आपका जो रिवर्स लीकेज करंट फ्लो करता है वो किसमें होता है बेटा, नैनो एम्पियर में होता है। किसमें होता है, नैनो एम्पियर में, जो कि करेक्टरिस्टिक थर्ड क्वाड्रेंट में बन रही है। और बेटा कहां पर है, निगेटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पास बन रही है, तो आपका जो है जो सिग्नल डायोड है वो स्विच के दूसरे मोड को सपोर्ट कर रहा है, दैट इज नथिंग बट द सेकेंड इज रिवर्स ब्लॉकिंग मोड को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब पावर डायोड की बात करेंगे, जैसे ही पावर डायोड में आप एनोड इज मेड निगेटिव रिस्पेक्ट टू कैथोड करेंगे, पावर डायोड भी आपका रिवर्स ब्लॉकिंग मोड को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। अब कंपेयर करते हैं किसमें लीकेज करंट ज्यादा हुआ, किसमें लीकेज करंट कम हुआ, किसमें लीकेज करंट आपका जो है ज्यादा होता है, पावर डायोड में ज्यादा होगा कि आपका दैट इज सिग्नल डायोड में ज्यादा होगा, किसमें लीकेज करंट ज्यादा होगा बताओ, पावर
पावर डायोड में लीकेज करंट ज्यादा होगा कि आपका जो है एनालॉग सिग्नल डायोड में लीकेज करंट ज्यादा होगा? किसमें लीकेज करंट ज्यादा होगा बताओ भैया? सिग्नल में लीकेज करंट ज्यादा होगा, ये कौन महापुरुष है देख लो, इतना पढ़ाने के बाद पावर डायोड में लीकेज करंट ज्यादा होता है, क्यों ज्यादा होता है उसको समझने की कोशिश करें। हेलो, ध्यान से देखो, जो लीकेज करंट होता है वो किसकी वजह से आता है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। अब ध्यान से सुनो भैया जो मैं बोल रहा हूं, लीकेज करंट रिवर्स डायरेक्शन निगेटिव करंट फ्लो करता है, कैथोड से एनोड, मतलब लीकेज करंट की वैल्यू निगेटिव आती है। आपको डायोड करंट ड्रॉ करना है, डायोड करंट निगेटिव आएगा, दैट इज जब लीकेज करंट रिवर्स डायरेक्शन, क्योंकि डायोड करंट आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लीकेज करंट फ्लो करता है, तो आईडी की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, तो यहां पर करेक्टरिस्टिक बनेगी। ठीक है, ध्यान सुनिए, ये बताओ आप देखेंगे पावर डायोड और एनालॉग डायोड में, जरा ध्यान से देखो बेटा किसका साइज बड़ा है, व्हाट इज द साइज, इसका साइज बड़ा है किसका साइज बड़ा है, एनालॉग डायोड का साइज बड़ा है कि आपका पावर डायोड का साइज बड़ा है? आपके पावर डायोड का साइज क्या है? बड़ा है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, इसका साइज बड़ा, इसका साइज बड़ा क्यों है? क्योंकि इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या है? ज्यादा। इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है, इसलिए आपने इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया से आपका साइज बड़ा। अगर साइज बड़ा तो इसमें मटेरियल भी ज्यादा होगा, इसमें मटेरियल क्या होगा? कम होगा। दोनों किस कंडीशन में ऑपरेट होते हैं? रूम टेम्परेचर में। यहां पर अगर मटेरियल ज्यादा है तो रूम टेम्परेचर में ज्यादा बॉन्ड ब्रेक करेंगे। हेलो, यहां पर मटेरियल क्या है? कम है, तो रूम टेम्परेचर में कम बॉन्ड ब्रोक करेंगे। ठीक है, मटेरियल अगर ज्यादा होगा तो बॉन्ड ब्रोकिंग भी क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि इसका साइज कम होता है, इसका साइज ज्यादा होता है, तो यहां पर ज्यादा सिलिकॉन यूज किया गया, यहां पर कम सिलिकॉन यूज किया गया। अब दोनों को रूम टेम्परेचर में रखकर, रूम टेम्परेचर में कुछ बॉन्ड ब्रेक होंगे, जहां पर ज्यादा बॉन्ड होंगे वहां पर ज्यादा बॉन्ड ब्रेक होंगे, और जहां पर कम बॉन्ड होंगे वहां पर कम बॉन्ड ब्रेक होंगे। तो रूम टेम्परेचर सेम टेम्परेचर में सिलिकॉन के कुछ बॉन्ड ब्रेक होते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि कितने बॉन्ड है, यहां पर मटेरियल कम यूज किया तो यहां पर कभी सिलिकॉन के बॉन्ड होंगे तो कभी टूट जाएंगे, लेकिन यहां पर आपके ज्यादा मटेरियल ज्यादा है तो ज्यादा बॉन्ड ब्रेक होंगे, और ज्यादा बॉन्ड अगर ब्रेक होंगे तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन यहां पर क्या होगा? ज्यादा होगा। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो जब आप इसको रिवर्स बायस करेंगे, क्योंकि मटेरियल ज्यादा है, मटेरियल ज्यादा होने से रूम टेम्परेचर में बॉन्ड भी ज्यादा ब्रेक होते हैं, यहां पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो यहां पर लीकेज करंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। पावर डायोड में जो लीकेज करंट फ्लो करता है रेंज कितना होता है? मिली एम्पियर में। ध्यान से देखिए, यहां लिख भी देता हूं, यहां पर लिख देता हूं, सिलिकॉन के केस में, यहां पर मैं एनालॉग डायोड में, या फिर अगर आप जो है यहां लिख देता हूं साइड पे, फॉर सिग्नल डायोड, सिग्नल डायोड दो मटेरियल से बनाया जा सकता है, सिलिकॉन का भी बनाया जा सकता है, सिलिकॉन का ही प्रेफर करते हैं भैया, डिप्लीशन लेयर की वजह से लीकेज करंट नहीं आता, लीकेज करंट माइनॉरिटी, डिप्लीशन लेयर से आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉस कर जाते हैं, माइनॉरिटी आपका लीकेज करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से आता है भैया मुकेश मौर्य। ठीक है, आपका अगर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो लीकेज करंट ज्यादा होगा, डिप्लीशन लेयर उसको रोकती नहीं, इसलिए माइनॉरिटी चार्ज के पास करते हैं। माइनॉरिटी चार्ज के किसमें ज्यादा होंगे? जहां पर मटेरियल ज्यादा होगा वहां पर बॉन्ड भी ज्यादा होंगे, और जहां पर मटेरियल कम होगा वहां पर बॉन्ड भी कम होगा। रूलर सेम टेम्परेचर में रखा है तो जहां पर बेटा ये बताओ, या आप मान लो एक तलवार लिए हो, ठीक है, एक तलवार लिए हो और आपको धागे काटने, एक जगह तीन धागे, एक जगह पचास धागे, तो जब तलवार करोगे तो जहां धागे कम होगा वहां धागे भी कम कटेंगे, और जहां धागे ज्यादा होगा वहां पर धागे भी ज्यादा कटेंगे ना। तो सेम चीज है कि मटेरियल इज मोर, तो मोर बॉन्ड ब्रेक एट द रूम टेम्परेचर, तो जितने ज्यादा बॉन्ड वहां ब्रेक होंगे उतना माइनॉरिटी चार्ज करिए। यहां पर ध्यान से देखो, फॉर सिग्नल डायोड अगर सिलिकॉन का होगा तो उसमें जो आपका लीकेज करंट होगा आई नॉट, रेंज किसमें होगा? सिलिकॉन के लिए नैनो एम्पियर में होता है, और जर्मेनियम के लिए कितना होता है बेटा? ये होता है माइक्रो एम्पियर, किसमें? माइक्रो एम्पियर। ठीक है, कौन ज्यादा होता है? ये ज्यादा होता है, माइक्रो कम होता है, नैनो आपका, ये आपका ज्यादा होता है, ये आपका कम होता है। लेकिन पावर डायोड में आप देखेंगे पावर डायोड का साइज ज्यादा है, पावर डायोड का साइज ज्यादा है, यहां पर मटेरियल ज्यादा यूज किया, ये सिलिकॉन का ही बनाया जाता है, जर्मेनियम का बनाया ही नहीं जाता। सिग्नल डायोड आप जर्मेनियम का बना सकते हैं, तो वहां पर दो मैंने लिखा है, लेकिन ये जनरली सिलिकॉन का बनाया जाएगा। मटेरियल ज्यादा है तो बॉन्ड भी ज्यादा होगा, रूट में बॉन्ड ज्यादा ब्रेक होंगे तो लीकेज करंट ज्यादा होगा, और आपका जो लीकेज करंट होता है पावर डायोड में वो मिली एम्पियर में होता है। किसमें होता है? मिली एम्पियर। जितना एनालॉग डायोड कंडक्ट करता है ना उतना इसमें लीकेज करंट होता है। ठीक है, मिली एम्पियर में। यहां लिख देता हूं फॉर सिग्नल डायोड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विल बी देयर,
फॉर पावर डायोड, पावर डायोड जो लीकेज करंट होता है वो किसमें होता है, मिली एम्पियर में होता है, किसमें होता है, मिली एम्पियर में। यहां पर जगह नहीं है, मैं इसको कट करता हूं क्योंकि यहां तो मुझे करेक्टरिस्टिक बनानी, यहां कहां मैंने लिख दिया इसको, इसको कट किया मैंने, इसको उठा के लिखा यहां और इसको मैंने कर दिया मिटा दिया। ठीक है, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। पावर डायोड में जो आपका लीकेज करंट होगा वो मिली एम्पियर में होगा। ठीक है, अच्छा बताओ, अब मैं पावर डायोड में, जैसे ही मैं पावर डायोड में एनोड इज इंडिकेटेड रिस्पेक्ट टू कैथोड, रिवर्स आपका रिवर्स ब्लॉकिंग मोड को सपोर्ट किया, जैसे जैसे मैं रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाता जाऊं, ध्यान से देखो, जैसे जैसे मैं रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाता जाऊं, अब यहां पर एन माइनस लेयर है, जैसे जैसे मैं रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाता जाऊंगा तो पी प्लस में तो आपका जो है जो विफ्ट होगी वो कम बढ़ेगी, लेकिन यहां पर इस कम विफ्ट में ज्यादा चार्ज होगा, सेम चार्ज दूसरी साइड क्रिएट करने के लिए ज्यादा डिस्टेंस में जाना पड़ेगा एन माइनस लेयर। जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे P प्लस में विफ्ट कम बढ़ेगी, लेकिन यहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा, कम विफ्ट में ज्यादा चार्ज होगा, सेम चार्ज दूसरी साइड क्रिएट करने के लिए एन माइनस लेयर में ज्यादा डिस्टेंस में जाना पड़ेगा, तो विफ्ट बहुत ज्यादा होती है तो उसके रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग एबिलिटी क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। ठीक है, चलो तो आप देखेंगे कि आपके इसके जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो 5000 तक के वोल्टेज को ब्लॉक कर सकता है ड्यू टू द एन माइनस लेयर। तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे विफ्ट ऑफ द डिप्लीशन लेयर बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, बॉन्ड ब्रेक होते जाएंगे तो लीकेज करंट बढ़ेगा, लेकिन जब लीकेज करंट बढ़ेगा वो किस रेंज में होगा, मिली मिली एम्पियर जो होगा वो ज्यादा। अच्छा, निगेटिव करंट है, ये करंट छोटा है और ये करंट बड़ा होगा, तो ग्राफ नीचे से आएगा कि ऊपर से आएगा, जरा बताओ, नीचे से आएगा कि ऊपर से आएगा। हेलो, मैग्नीट्यूड बड़ा है लीकेज करंट, दैट इज यहां पर लीकेज करंट, निगेटिव करंट, मैग्नीट्यूड बड़ा है तो ग्राफ नीचे से आएगा, यहां से आएगा कि यहां से आएगा ऊपर से, इसको मैं ऊपर बोल रहा हूं इसको नीचे बोल रहा हूं, कहां से ग्राफ आएगा, नीचे से आएगा। ठीक है, क्योंकि करंट आपका डाउन से आएगा, बिकॉज करंट इज हाई इन द रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन में करंट है, ये कम करंट है रिवर्स डायरेक्शन में और यहां पर ये करंट रिवर्स डायरेक्शन में क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो आप देखेंगे जैसे ही पावर डायोड को आप क्या करेंगे, एनोड इज मेन निगेटिव रिस्पेक्ट रिवर्स ब्लॉकिंग मोड को सपोर्ट करेगा, जैसे जैसे मैं रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाता जाऊंगा ग्राफ नीचे से आएगा, पावर डायोड जब रिवर्स डायरेक्शन में रिवर्स ब्लॉकिंग मोड को सपोर्ट करेगा कौन सा करंट फ्लो करेगा, माइनॉरिटी चार्ज के रिवर्स लीकेज करंट फ्लो करेगा, दैट इज आई नॉट, लेकिन इस करंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, बिकॉज मोर साइज मोर बॉन्ड ब्रोके, तो लीकेज करंट क्या होगा, ये मिली एम्पियर में करंट फ्लो करेगा। और जैसे जैसे मैं रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाता जा रहा हूं विफ्ट ऑफ द डिप्लीशन लेयर बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, बॉन्ड ब्रेक होते जाएंगे तो आपके पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कंफर्मेशन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो आपका लीकेज करंट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और बेटा जब आप अपने रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते किसके बराबर लिए, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, दिस इज VBR, VBR ये कितना होता है, 5000 वोल्ट, कितना होता है 5000 वोल्ट। सिग्नल पावर डायोड के लिए जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो कितना होता है, 5000 वोल्ट। ठीक है, तो जैसे जैसे आप रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं इलेक्ट्रिक आपका जो है विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, बॉन्ड ब्रेक होते जाएंगे तो लीकेज करंट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जब आप अपने रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते कितने के बराबर कर देंगे, पावर डायोड के रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर कर देंगे, उस समय आपका जो है डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, दैट इज क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, कौन सी, क्रिटिकल VRB इज इंक्रीज, बिल्कुल इंक्रीज है। ठीक है, तो जब आप जो है अपने पावर डायोड के क्रॉस रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर मल्टीप्लाई करेंगे तब आपके पावर डायोड में जो डिप्लीशन लेयर कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर मैंने क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट किया है लेकिन ज्यादा थिकनेस में, ज्यादा थिकनेस की वजह से ज्यादा वोल्टेज को क्या करा, ब्लॉक करा, और क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होते ही सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, इमीडिएटली माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो रिवर्स डायरेक्शन में वेरी वेरी हाई करंट क्या करेगा, पास करेगा, वेरी वेरी करंट थ्रू द पावर डायोड इज वेरी वेरी हाई, वोल्टेज अक्रॉस द पावर डायोड इज वेरी वेरी हाई,
पावर लॉस अक्रॉस द डायोड इज वेरी वेरी हाई इन द रिवर्स डायरेक्शन। पावर लॉस ज्यादा होने की वजह से उसका टेम्परेचर उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से सडनली बढ़ जाएगा और इमीडिएटली आपका पावर डायोड क्या हो जाएगा, बर्नआउट हो जाएगा। पर ये जो आपका पावर डायोड में देखेंगे जो करेक्टरिस्टिक है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, लेकिन किसके पास है, दैट इज नेगेटिव हॉरिजॉन्टल पास है। तो पावर डायोड किस मोड को सपोर्ट कर रहा है, स्विच के दूसरे मोड को, दैट इज रिवर्स ब्लॉकिंग मोड को। और इसमें जो लीकेज करंट होता है, व्हाट द रेंज, ये होता है मिली एम्पियर में। किसमें होता है ये, मिली एम्पियर में। हेलो, ये जो करंट है वो ज्यादा है, इसलिए मैंने नीचे से, ये करंट ज्यादा है ये करंट कम है, तो ये ग्राफ आपका ऊपर से और ये ग्राफ आपका नीचे से है, क्लियर है। दिस इज द करैक्टरिस्टिक ऑफ ए पावर डायोड, बनाए इस करैक्टरिस्टिक को, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकता है मुझे, इसीलिए मैंने बताया था कि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए पावर डायोड की करैक्टरिस्टिक में, नहीं तो आप जो है रटते रहते कि ऐसी आती है, रटना कुछ नहीं है, हर चीज आप समझ के करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी, रट के पढ़ेंगे तो रट के समझ। चलो अब हम बात करते हैं, अगर आइडियल पावर डायोड होता तो उसकी करैक्टरिस्टिक कैसी होगी। यार आइडियल, ये तो मैंने प्रैक्टिकल पावर डायोड की बताई है, दो मोड सपोर्ट करता है, फॉरवर्ड कंडक्शन एंड रिवर्स ब्लॉकिंग। ये पावर डायोड की है बेटा, दिस इज द करैक्टरिस्टिक फॉर पावर डायोड, लिख रहा हूं, दिस इज द करैक्टरिस्टिक ऑफ विच डायोड, पावर डायोड। ये करैक्टरिस्टिक किसके लिए थी, सिग्नल डायोड, सिग्नल डायोड। दोनों करैक्टरिस्टिक एक साथ बनाई कि आपको समझ में आनी चाहिए कि दोनों की करैक्टरिस्टिक में क्या अंतर है। ये लीनियर होती है, ये नीचे से जाती है। हो गया, हो गया हो तो बता दे, आइडियल पावर डायोड की करैक्टरिस्टिक बनाने जा रहे हैं, दो ही मोड सपोर्ट करते हैं। ये बताओ आइडियल डिवाइस के लिए जो आपका बैरियर पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, तो करेक्ट, ये जीरो हो जाएगा मतलब ये पॉइंट यहां आ जाएगा, ऐसी बने। लेकिन आइडियल डिवाइस के लिए वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, जीरो। जब भी कंडक्शन करेगी तो ड्रॉप जीरो होना चाहिए, मतलब ये पॉइंट यहां आ जाना चाहिए, ये पॉइंट अगर यहां आ जाएगा तो ड्रॉप जीरो हो जाएगा। इस करंट पे इतना ड्रॉप दिख रहा है, ड्रॉप तो जीरो, मतलब ये पॉइंट आपका यहां आ जाना चाहिए, इस करंट पे ड्रॉप जीरो हो जाएगा, मतलब सारे पॉइंट वर्टिकल एक्सिस में आ जाए। तो आइडियल डिवाइस जब भी फॉरवर्ड कंडक्शन मोड को सपोर्ट करेगी तो करैक्टरिस्टिक कहां पर बनेगी, दैट इज पॉजिटिव वर्टिकल एक्सिस में। और बेटा आइडियल डिवाइस के लीकेज करंट जीरो होता है तो ये सारे पॉइंट उठ के यहां पर आ जाएंगे, और उसका रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज इनफाइनाइट होता है, ये पॉइंट कहां चला जाएगा, इनफाइनाइट, तो करैक्टरिस्टिक यहां पर आ जाएगा, ऐसी करैक्टरिस्टिक बनेगी आइडियल पावर डायोड के लिए। कल बताया था सेम, किसी को कोई शक नहीं, बना देते उसको ही बना देते हैं आइडियल पावर डायोड के लिए, ब्लैक कलर से बना देते। हो गया, तो आइडियल पावर डायोड में आप देखेंगे आइडियल डायोड जो होगा उसका बैरियर पोटेंशियल जीरो होगा, और जब वो कंडक्शन मोड में जाएगा तो ड्रॉप नहीं होने चाहिए, जब उसे करंट पास करेगा तो ड्रॉप जीरो होने चाहिए, ये सारे पॉइंट उठ के यहां आ जाएंगे। तो दैट इज ब्लैक कलर से बना रहा हूं, दिस इज फॉर आइडियल पावर डायोड। आइडियल आपका पावर डायोड दो मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड को सपोर्ट करता है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड को सपोर्ट करने का मतलब पहली चीज आपको दिखे बैरियर पोटेंशियल, अगर हल्का सा भी फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करें कंडक्ट करेगा, और किसी भी करंट पे ड्रॉप कितना है, जीरो। किसी भी करंट, कितना भी करंट फ्लो करा लो, ड्रॉप कितना है, हमेशा जीरो है, दिस इज जीरो। तो दिस इज द आपकी आइडियल, अगर आपका आइडियल पावर डायोड फॉरवर्ड कंडक्शन मोड को सपोर्ट करे, अगर आपका डायोड आइडियल है तो आपका फॉरवर्ड कंडक्शन मोड को सपोर्ट करे, तो करैक्टरिस्टिक आपकी कहां पर बनेगी, पॉजिटिव वर्टिकल एक्सिस पे बनेगी फॉर आइडियल डिवाइस। दिस इज द फर्स्ट मोड सपोर्ट करा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, ब्लैक कलर से बनाया हूं। आइडियल डिवाइस के लिए लीकेज करंट जीरो होता है और रिवर्स ब्रेकडाउन इनफाइनाइट होता है, ये सारे पॉइंट आपके नेगेटिव हॉरिजॉन्टल है। अगर आप कोई भी आइडियल स्विच आपके रिवर्स ब्लॉकिंग मोड को सपोर्ट करेगा तो करैक्टरिस्टिक आपका नेगेटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस में बनेगी, दिस इज द करैक्टरिस्टिक फॉर आइडियल पावर डायोड, दिस इज फॉर आइडियल पावर डायोड। ये भी बनाए, आइडियल पावर डायोड दो मोड सपोर्ट करता है तो दिस इज द करैक्टरिस्टिक, और आपका जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज इनफाइनाइट तो दिखा नहीं सकते, तो जिग-जैग लाइन दिखाते हो, लिखते हैं VBR, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कहां पर है, इनफाइनाइट। तो अगर आइडियल स्विच की करैक्टरिस्टिक आपकी नेगेटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस बन रही तो वो आइडियल स्विच आपके स्विच के दूसरे मोड को सपोर्ट कर रहा है, दैट इज सेकंड इज रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। सब चीज बना दिए एक ही जगह, बिल्कुल लाइक जनरल डायोड सेम, आइडियल मीन्स आइडियल, आइडियल मीन्स भगवान,
शाहरुख खान, आप शाहरुख खान बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पा रहे हैं। दिस इज ए यू एंड दिस इज ए शाहरुख खान। आप जो है ऐसा बनना चाहते हैं लेकिन आपके बाल वैसे नहीं खींच रहे, है ना, शाहरुख खान की तरह। ऐसी डिवाइस बनाना चाहते हैं लेकिन अभी बनी ऐसी है प्रैक्टिकली, और बनेगी भी ऐसी प्रैक्टिकली, ऐसी तुम कभी जिंदगी में नहीं बना पाओगे। आइडियल ट्रांसफॉर्मर मींस बिना करंट के फ्लक्स स्टेब्लिश होना, ऐसा कोई मटेरियल नहीं बिना करंट के फ्लक्स स्टेब्लिश कर पाओ, तो आइडियल जैसा बना नहीं पाएंगे। कोशिश करते हैं कि उसके आसपास तक पहुंच जाए। हम लग रहे हैं शाहरुख खान, पगला गए हो का? शाहरुख खान हम नहीं बनना चाहते भैया, ठीक है, हम कहाँ करेंगे, हम शाहरुख खान बनना चाहते हैं। तुम ही लोग बनना चाहते हो, अभी तुम लोग की एज है शाहरुख खान बनने लायक, हमारी तो एज खत्म हो गई, एक्सपायरी हो गई ना। जब तुम लोग की जॉब लग जाएगी, शादी हो जाएगी, तो यू कैन ऑल्सो द एक्सपायर प्रोडक्ट विल बी देयर, है ना। अमरीश पुरी बनना चाहते हैं कुछ लोग, वेरी गुड, चल हो गया ना। चल अब जरा हम बात करते हैं इस पावर डेवर में, हो गया ना, आगे बढ़े। चलो ठीक है, चलो यहां पर आओ। अब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एन माइनस लेयर, जो एन माइनस लेयर, इसका सिग्निफिकेंस महत्व तो क्या है पावर डेवर में, ये जो अपने ड्रिफ्ट रीजन में है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस। बताओ एन माइनस लेयर का यूज क्या, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एन माइनस लेयर ऐसे ड्रिफ्ट रीजन इन पावर डायोड, पावर डायोड में इसका क्या महत्व है। पावर डायोड में इसी लेयर की वजह से आपकी रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग वोल्टेज बढ़ रही है, क्योंकि जब मैं इसको अपने डायोड पावर डायोड को रिवर्स बायस करूंगा, मतलब एनोड इज मेड निगेटिव रिस्पेक्ट टू कैथोड, जैसी मैं एनोड इज मेड निगेटिव रिस्पेक्ट टू कैथोड करूंगा, इन ऑर्डर टू इक्वलाइज द चार्ज ऑन बोथ साइड ऑफ द डिप्लीशन लेयर, में जंक्शन के दोनों साइड सेम चार्ज होती है, यहां पर कम विफ्त है, यहां पर कम विफ्त में ज्यादा चार्ज होगा, सेम चार्ज के लिए यहां पर आपको ज्यादा डिस्टेंस पे जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से विफ्त ऑफ द डिप्लीशन लेयर ऐसे थिकनेस बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो लिखिए बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एन माइनस लेयर इन पावर डायोड। हेडिंग डालें नेक्स्ट, हर एक चीज डिस्कस करेंगे बट टाइम आने पे। सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रिफ्ट रीजन और एन माइनस लेयर इन पावर डायोड, इन पावर डायोड, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रिफ्ट रीजन और एन माइनस लेयर। तो मैं पहले स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, आप उस स्टेटमेंट को सुनिएगा, फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको समझ में आए कि नहीं। व्हेन एनोड इज मेड निगेटिव रिस्पेक्ट टू कैथोड, व्हेन द एनोड इज हाईली डोप्ड फॉरवर्ड, हाँ, दैट इज व्हेन एनोड इज मेड निगेटिव रिस्पेक्ट टू कैथोड, द डिप्लीशन लेयर, जब हम एनोड को जो है निगेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, व्हेन एनोड इज मेड निगेटिव रिस्पेक्ट टू कैथोड, मतलब रिवर्स वाइज, द डिप्लीशन लेयर पेनिट्रेट मोर डीपर, आपकी डिप्लीशन लेयर घुसेगी एन माइनस लेयर में ज्यादा अंदर तक, किस लिए, डिप्लीशन लेयर के दोनों साइड पे चार्ज कैरियर को इक्वलाइज करें, क्योंकि यहां पर कम थिकनेस पे ज्यादा चार्ज आ जाएगा, क्योंकि डोपिंग ज्यादा है, कम थिकनेस में ज्यादा चार्ज होगा, सेम चार्ज दूसरी साइड क्रिएट करने के लिए एन माइनस लेयर में डिप्लीशन लेयर को ज्यादा डिस्टेंस तक जाना पड़ेगा, ज्यादा दूर तक पेनिट्रेट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर बढ़ जाएगी और आपकी रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग एबिलिटी क्या हो जाएगी डायोड की, बढ़ जाएगी, इस लेयर की वजह से ज्यादा डिस्टेंस। अगर ये लेयर ना होती तो विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर बढ़ नहीं पाती। देख रहे हो बेटा, व्हेन एनोड इज मेड निगेटिव, व्हेन एनोड इज मेड निगेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, व्हेन एनोड इज मेड निगेटिव रिस्पेक्ट टू कैथोड, द डिप्लीशन लेयर पेनिट्रेट पेनिट्रेट
पेनिट्रेट, पेनिट्रेट मीन्स होता घुसना, पेनिट्रेट मोर डीपर, पेनिट्रेट मोर डीपर, मोर डीपर, पेनिट्रेट मोर डीपर इनटू द एन माइनस लेयर, पेनिट्रेट मोर डीपर इनटू द एन माइनस लेयर। एन माइनस लेयर में ज्यादा दूर तक जाते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों साइड आपको चार्ज को इक्वलाइज करना है, एन प्लस में कम डिस्टेंस में ज्यादा मिलेगा और यहां पर ज्यादा डिस्टेंस है, तो ज्यादा डिस्टेंस में जाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू इक्वलाइज, इक्वलाइज द चार्ज, इक्वलाइज द चार्ज ऑन बोथ साइड ऑफ द जंक्शन, ऑन बोथ साइड ऑफ द जंक्शन, इन ऑर्डर टू इक्वलाइज द बोथ साइड ऑफ द जंक्शन, दिस विल इंक्रीजेज, जिसकी वजह से एन माइनस लेयर में ज्यादा डिस्टेंस में जाने की वजह से विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर बढ़ जाती है, दिस विल बी इंक्रीज, दिस विल इंक्रीजेज, इंक्रीजेज द विड्थ और थिकनेस ऑफ द डिप्लीशन लेयर, थिकनेस ऑफ द डिप्लीशन लेयर, हेंस, और थिकनेस बढ़ने से रिवर्स वोल्टेज रॉकिंग वोल्टेज बढ़ती है, हेंस, 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 हेंस द रिवर्स वोल्टेज रॉकिंग कैपेबिलिटी, हेंस द रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी कैपेबिलिटी ऑफ द पावर डायोड विल बी इंक्रीजेज, सो दैट अगर रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग वोल्टेज बढ़ जाएगी तो ज्यादा रिवर्स वोल्टेज को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, सो दैट द डायोड कैन ब्लॉक, सो दैट पावर डायोड कैन ब्लॉक हायर रिवर्स बायस वोल्टेज, सो दैट द पावर डायोड, पावर डायोड कैन ब्लॉक हाई रिवर्स बायस वोल्टेज विच इज लिमिटेड अप टू कितना, अप टू 5000 वोल्ट, 5000 वोल्टेज तक के वोल्टेज को, अप टू का मतलब 5000 तक के वोल्टेज, ठीक है। अच्छा ये बताओ यार, एक चीज तो मैं समझ कि एन माइनस लेयर जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा विफ्ट होगी, तो रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग वोल्टेज बढ़ जाएगी। अब हमने 5000 से ज्यादा जो है वोल्टेज की ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी का पावर डायोड क्यों नहीं बना पाए, ध्यान से सुनिएगा जरा मैं जो बोल रहा हूं, इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत भी होगी। अब क्या दिक्कत होगी एन माइनस लेयर की वजह से, यहां पर सुनिए, इतना लिख लीजिए फिर मैं आपको बताता हूं दिक्कत क्यों, हम 5000 से ज्यादा वोल्टेज की ब्लॉकिंग का पावर डायोड नहीं बना पाए, दिक्कत क्या है। लो डोपिंग करना दिक्कत नहीं है, डोपिंग तो आप इससे भी कम कर सकते हो, लिख लिया। चले देखो ड्रॉबैक भी देखते हैं, इसका ड्रॉबैक है क्यों मैं पावर डायोड में केवल 400 माइक्रोमीटर की थिकनेस की ही आपकी एन माइनस लेयर बनाती हूँ, इससे ज्यादा थिकनेस की बना, ध्यान सुनो, अगर मैं इससे ज्यादा थिकनेस की बना दूंगा तो डिप्लीशन लेयर और बढ़ जाएगी। देखो यहां पर क्या है,
ध्यान से देखो, जैसे जैसे आप रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं, यहां पर आपका कम डिस्टेंस में बढ़ रही, लेकिन सेम चार्ज दूसरी साइड ज्यादा डिस्टेंस में जा रहे हैं, और ज्यादा रिवर्स वोल्टेज, यहां पर कम डिस्टेंस में सेम चार्ज मिलेगा, यहां पर ज्यादा डिस्टेंस में मिलेगा। उसके बाद और रिवर्स वोल्टेज बढ़ाया, कम थिकनेस में ज्यादा थिकनेस पे, ठीक है। अब ये बताओ 400 के बाद अगर मैं इसको और बड़ा कर देता तो आपका जो है, ये देखो 400 तक किया, उसके बाद और ज्यादा रिवर्स वोल्टेज बढ़ाई करेंगे, यहां पर कम थिकनेस पे, और यहां पर आप देखेंगे यहां पर जो है जो डिप्लीशन लेयर हो एन प्लस में आ जाएगी। मतलब जैसे जैसे अब और ज्यादा रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाता जाऊंगा तो अब इंक्रीमेंट क्या होता जाएगा, बहुत कम होगा। मैंने इसको 400 से बढ़ा के अगर और बड़ी कर देता, इस लेयर को अगर मैं 400 की जगह 500 कर देता, तो जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज बढ़ाता जाता, अगर ये थिकनेस और ज्यादा होती तो और ज्यादा बढ़ सकती थी। क्यों नहीं बढ़ाया मैंने, 400 माइक्रोमीटर तक का ही क्यों लगाया? देखो जब आप रिवर्स वोल्टेज बढ़ाएंगे तो यहां पर इंक्रीमेंट कम होगा, यहाँ इंक्रीमेंट ज्यादा होगा, यहाँ इंक्रीमेंट कम होगा, यहाँ इंक्रीमेंट ज्यादा होगा, यहाँ इंक्रीमेंट कम होगा। थोड़ी देर के बाद ये डिप्लीशन लेयर कहां पर चली जाएगी, एन प्लस में चली जाएगी। जब ये खत्म हो जाएगा तो एन प्लस में फिर इंक्रीमेंट करेंगे तो यहां पर इंक्रीमेंट कम होगा, यहां भी इंक्रीमेंट कम होगा, तो अब उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी। तो अगर मैं तेजी से बढ़ाना चाहता तो मैं इसको जो है 400 की जगह 500 मीटर का बना देता, मतलब ऐसे बना देता, ऐसे बना देता। ध्यान से देखो, 400 की जगह मैंने 500 क्यों नहीं रखा, ये है, इसको मैं 500 कर देता, 500 माइक्रोमीटर यहां बढ़ाता तो यहां और तेजी से, यहां बढ़ाता यहां कम तेजी से, यहां और ज्यादा तेजी से, यहां कम तेजी से और ज्यादा तेजी, तब तो थिकनेस और ज्यादा बढ़ जाती, ठीक है। क्यों मैंने इसको 500 माइक्रोमीटर का नहीं बनाया, 400 तक ही लिमिट क्यों हो गया? क्योंकि अगर मैं इसको और बढ़ा देता तो और ज्यादा थिकनेस होती, तो जितनी ज्यादा थिकनेस उतनी ज्यादा रिवर्स वोल्टेज डॉक्यूमेंट। आप देखेंगे आप एन माइनस लेयर को एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं, अगर एन माइनस लेयर और ज्यादा बढ़ाने लगेंगे तो ये बेटा एडवांटेज की जगह आपको डिसएडवांटेज देने लगेंगे, लेकिन डिसएडवांटेज रिवर्स बायस कंडीशन में नहीं होगा। किस कंडीशन में होगा दिक्कत, फॉरवर्ड बायस में। ध्यान से देखिए जरा, अब मैं आपको बताता हूँ दिक्कत क्या होने वाली है, कि अगर मैं इसको 400 की जगह 500 बढ़ाता, 500 माइक्रोमीटर कर देता, तो रिवर्स बायस करने में थिकनेस और ज्यादा बढ़ जाती, रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग वोल्टेज बढ़ जाती, लेकिन जब आप इसको फॉरवर्ड बायस करते तब ये लेयर दिक्कत करने लगती। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज कर दिया जाएगा, बिल्कुल वही दिक्कत होने वाली। ध्यान से देखिए, जब भी आप किसी भी डिवाइस को फॉरवर्ड बायस करते, ध्यान सुनिए, जब भी आप किसी भी डिवाइस को फॉरवर्ड बायस करते तो वो वेरी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस ऑफर करती है, और इस स्मॉल रेजिस्टेंस की वजह से डायोड के अक्रॉस स्मॉल ड्रॉप होता है, करंट हाई होता है ड्रॉप कम होता है, तो वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई करंट पावर लॉस होता है, और पावर लॉस की वजह से आपकी डिवाइस क्या होती है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है। अगर पावर लॉस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब कंडक्ट करेगी, पावर लॉस ज्यादा होगा तो डिवाइस हीट अप करेगी, और हीट अप करेगी तो आपकी डिवाइस क्या हो सकती है, क्योंकि ये डिवाइसेज आपकी कंटिन्यूअस चलाते हैं, आप अपने मोबाइल को 24 आवर्स चलाते हैं, आप अपने लैपटॉप को, आप देखेंगे जो भी ऑनलाइन सिस्टम होते हैं, जैसे पावर सिस्टम की जब आप जो है एनालिसिस करते हैं, फिर जब पावर सिस्टम में आप देखते हैं तो आप एक जगह पे क्या करते हैं, पूरा पूरा पैनल बनाते हैं, उस पैनल में कई सारे डायोड लगे होते हैं, वो 24 आवर पैनल में देने रखते हैं, कौन सा सर्किट ब्रेकर की रहा, कौन सा सर्किट ब्रेकर आपका सही काम कर रहा है, कौन सा आपका सही काम नहीं कर रहा, तो वो सारी सारी चीज कंटिन्यूअस चलती है, तो ये जो डायोड वायोड होते हैं वो कंटिन्यूअस वर्क करते रहते हैं। अगर पावर लॉस ज्यादा होगा तो टेम्परेचर आपका ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आपकी डिवाइस के डैमेज होने के चांस ज्यादा है। जैसे आपका फैन है, आप फैन को 2-2 दिन तक लगातार चलाते रहते हैं, लेकिन आप देखेंगे अगर इसका जो टेम्परेचर है, आप देखेंगे फैन चलने के बाद थोड़ी देर बाद आपका क्या होता है, हीटअप हो जाता है, लेकिन जो हीट अप मैक्सिमम हीट अप है उसी हीट पे कॉन्स्टेंट रहता है, लेकिन अगर आपका जो है, अगर इसकी हीट आपकी जो है ज्यादा होगी, तो अगर टेम्परेचर इसके जो है ज्यादा, इसका टेम्परेचर इसकी लिमिट से ज्यादा बढ़ जाएगा तो डिवाइस के डैमेज होने का चांस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये आपका एनालॉग डायोड है, अंतर देखिए एन माइनस लेयर, एन माइनस लेयर की थिकनेस हम ज्यादा क्यों नहीं बढ़ा सकते, उससे दिक्कत क्या है। ये मेरा एक पीएन जंक्शन डायोड है, ध्यान से देखिएगा, पी एन जंक्शन डायोड है, ये मैंने फॉरवर्ड बायस किया, दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड, इसको मैं फॉरवर्ड बायस कर रहा हूं, एनोड इज मेड पॉजिटिव रिस्पेक्ट टू कैथोड। जब डिवाइस आपकी फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में जाएगी तो इससे काफी ज्यादा करंट पास करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन, एनोड करंट आपका क्या करेगा, पास करेगा, लेकिन फॉरवर्ड डायरेक्शन करंट ज्यादा है तो डिवाइस वेरी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस ऑफर करेगी। अब डिवाइस वेरी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस का मतलब कि हर एक लेयर वेरी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, इसकी वजह से भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसकी वजह से भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस होंगे वो आपका हर एक लेयर स्मॉल रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, तो इसकी वजह से भी कुछ रेजिस्टेंस आएगा,
इसकी वजह से भी कुछ रजिस्टेंस आएगा, और जब ये करंट आपका डिवाइस से पास करेगा तो टोटल रजिस्टेंस आपका क्या होगा नेट में, इन दोनों रजिस्टेंस को मिला देंगे तो टोटल रजिस्टेंस आ जाएगा, दैट इज टोटल रजिस्टेंस आएगा जो कि आपका कम होगा, लगभग आपका 0.8-0.9 के आसपास होता है, ठीक है, और दिस इज द टोटल फॉरवर्ड रजिस्टेंस। और जब ये करंट इससे पास करेगा तो चूंकि रजिस्टेंस कम है तो ये ड्रॉप भी कैसा होगा, कम होगा, फॉरवर्ड एक्स में ड्रॉप होगा, जो कि जनरली कितना होता है फॉरवर्ड एक्स में जो ड्रॉप होता है दैट इज 0.7। कैसे निकालते हैं इसको जनरली, ये जनरली होता है दैट इज एनोड करंट मल्टीप्लाइड बाई फॉरवर्ड डायरेक्शन का रजिस्टेंस। चूंकि आपका जो है यहां पर लेयर कम है तो ये फॉरवर्ड रजिस्टेंस भी आपका क्या है, कम है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की वजह से आपका वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, कम होगा। तो फॉरवर्ड डायरेक्स में करंट ज्यादा है वोल्टेज कम है, तो पावर लॉस अगर निकालेंगे एनालॉग डायोड में, एनालॉग डायोड में आप जो है पावर लॉस निकालिए, किसमें बेटा आप पावर लॉस निकाल रहे हैं, लेकिन किसमें, सिग्नल डायोड में, ड्रॉप इज स्मॉल, फॉरवर्ड ड्रॉप इंटू एनोड करंट, चूंकि आपका एनालॉग डायोड में वोल्टेज कम होता है तो दैट इज आपका पावर लॉस भी क्या होता है, कम होता है। सेम करंट के लिए बात करें, करंट आप सेम मान लीजिए, एम्पियर में करंट मान लीजिए, 2 एम्पियर का यहाँ पर सिग्नल डायोड लिया है, 2 एम्पियर का पावर डायोड, लेकिन पावर डायोड में क्या होता है, पावर डायोड के स्ट्रक्चर देखते हैं जरा, सेम करंट के लिए 2 एम्पियर का यहां पर मैं पावर डायोड ले रहा हूं, 2 एम्पियर वाला, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर तो फ्लो करा सकता है सिग्नल डायोड, ध्यान से देखो, नाउ दिस इज नथिंग बट दिस इज पी प्लस एन माइनस एन प्लस। अब आप देखेंगे ये आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है, फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं, दिस इज फॉरवर्ड बायस, जब मैं इसको फॉरवर्ड बायस करूंगा तो आपका जो डिवाइस होती है डिवाइस से ज्यादा करंट पास करता है फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड को सपोर्ट करेगा, एनोड करंट पास करेगा, क्योंकि एनोड करंट ज्यादा होता है तो रेजिस्टेंस कम होता है, लेकिन रेजिस्टेंस जो आपका सप्लाई होगा, इस बार पावर डायोड में 3 लेयर होती, कुछ ये वाली लेयर सप्लाई करेगी, कुछ ये वाली और कुछ ये वाली, एंड यहां पर एन माइनस लेयर नहीं थी तो उसकी वजह से कोई भी रेजिस्टेंस, 2 लेयर की वजह से 2 रेजिस्टेंस थे, तो नेट में फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इसका कम था, नेट में फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इसका कम था, यहां पर कितनी लेयर है, 3 लेयर है, तो 3 लेयर की वजह से फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इसका क्या होगा, बड़ा, और जितनी ज्यादा आप इसकी विड्थ करेंगे, एन माइनस लेयर की विड्थ अगर ज्यादा होगी तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस ऑफर करने लगेगा, तो यहां पर जब रेजिस्टेंस देखेंगे तो तीनों लेयर की वजह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में रेजिस्टेंस है, अगर लेयर की थिकनेस ज्यादा है तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा, तो नेट में जो रेजिस्टेंस होगा पावर डायोड और एनालॉग का, अगर मैं फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की बात करूं तो इस लेयर की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ गया, इस लेयर की वजह से रेजिस्टेंस क्या हो गया, अगर मैं इस लेयर की थिकनेस लगातार बढ़ाता चला जाऊंगा तो इसकी वजह से रेजिस्टेंस क्या होता चला जाएगा, बढ़ता जाएगा, ये एक्स्ट्रा लेयर आई है, तो आपका एनालॉग डायोड का के कंपेयर में पावर डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा, अगर फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो जब ये करंट इससे पास करेगा तो फॉरवर्ड ड्रॉप, दैट इज फॉरवर्ड ड्रॉप जो होगा दैट इज फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इनटू एनोड करंट, दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि इसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसमें फॉरवर्ड ड्रॉप भी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो अगर मैं पावर डायोड में फॉरवर्ड ड्रॉप की वे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉप ज्यादा होगा, तो जब ये डिवाइस फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंडक्शन करेगी तो पावर लॉस भी होगा, पावर लॉस निकालेंगे तो फॉरवर्ड वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई एनोड करंट, करंट दोनों से मैं सेम पास कर रहा है 2 एम्पियर, लेकिन इसका फॉरवर्ड ड्रॉप ज्यादा होता है तो इसमें पावर लॉस भी क्या होगा, ज्यादा होता है, इसमें हीटअप क्या होगी, ज्यादा होगी, अगर मैं इस लेयर की थिकनेस को लगातार बढ़ाता जाऊंगा तो दैट इज फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से फॉरवर्ड ड्रॉप क्या होगा आपका जो है और ज्यादा होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन जब कंडक्शन ड्रॉप बढ़ता जाएगा तो पावर लॉस ज्यादा होगा, पावर लॉस की वजह से डिवाइस का टेम्परेचर आपका काफी ज्यादा बढ़ेगा, हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, जिसकी वजह से डिवाइस क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है, तो जनरली हम इसको एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं, जो एन माइनस लेयर की विड्थ है उसको हम एक लिमिट तक रखते हैं, ठीक है, लिमिट तक रखने की वजह से क्या होता है कि फॉरवर्ड ड्रॉप जो है जब आपकी, अगर मैं इसको बढ़ाता चला जाऊंगा तो रिवर्स में तो अच्छा है, रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग वोल्टेज बढ़ जाएगी, लेकिन जब आप डिवाइस को फॉरवर्ड बायस करेंगे तो इस
लेयर की वजह से, लेयर की थिकनेस होने की वजह से फॉरवर्ड ड्रॉप डिवाइस का बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से पावर लॉस आपकी डिवाइस में क्या होगा, ज्यादा होगा, डिवाइस के डैमेज होने का चांस क्या हो जाएगा, ज्यादा। या फिर आप देखेंगे जितनी भी पावर सेमी कंडक्टर डिवाइस होती है, चूंकि उनमें एन माइनस लेयर होती है, एन माइनस लेयर की वजह से चूंकि रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है तो एन माइनस लेयर लगाते हैं, एन माइनस लेयर की वजह से उनमें फॉरवर्ड ड्रॉप ज्यादा होता है, फॉरवर्ड ड्रॉप की वजह से उनमें पावर लॉस ज्यादा होगा। तो जनरली जितनी भी पावर सेमी कंडक्टर डिवाइस है उनमें सिग्नल डिवाइस के अंपेयर में आपका पावर डिवाइस में जितनी भी पावर सेमी कंडक्टर उसमें ड्रॉप ज्यादा होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हीट सिंक लगाना पड़ेगा। जितनी भी पावर सेमी कंडक्टर डिवाइस होती है उनमें हम क्या करते हैं, हीट सिंक लगाते हैं। हीट सिंक क्या करता है कि जब भी डिवाइस कंडक्शन मोड में जाती है तो उसमें पावर लॉस की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है। हीट सिंक हीट को क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है, और डिवाइस को क्या करता है, कूल रखता है। कूल रखने से आपकी डिवाइस का जो टेम्परेचर है उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा नहीं पहुंचता और आपकी डिवाइस सेफली क्या करती है, वर्क करती है। लेकिन आप देखेंगे यहां पर हीट सिंक जितनी भी पावर सेमी कंडक्टर डिवाइस है चूंकि उनमें एन माइनस लेयर की वजह से आपका जब भी वो कंडक्शन मोड में जाएगी तो लॉस होगा, पावर लॉस ज्यादा होगा, पावर लॉस की वजह से उनका टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो डिवाइसेस को मुझे कूल करना पड़ेगा, हीट सिंक लगा रखा है। लेकिन अगर थिकनेस आप बढ़ाते चले जाएंगे तो जो हीट सिंक है वो इस हीट को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो हो सकता है कि आपका जो है टेम्परेचर उसके क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ जाए और आपकी डिवाइस क्या हो जाए, डैमेज हो जाए। तो जनरली हम क्या करते हैं, जितनी भी पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है, जितनी भी पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है उनमें आपके पास ड्रिफ्ट रीजन होता है। ड्रिफ्ट रीजन की वजह से जब भी आपकी पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस कंडक्शन मोड में जाएंगी तो पावर लॉस होगा। पावर लॉस की वजह से क्या होने वाला है बेटा, आपका जो है डिवाइस का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो डिवाइस के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जितनी भी पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस उनमें क्या यूज करते हैं, हीट सिंक यूज करते हैं। अब एन माइनस लेयर को हम इतना ज्यादा नहीं बढ़ाते क्योंकि हीट सिंक जो होगा वो एक लिमिट तक ही हीट को एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो हीट सिंक अगर मैं एन माइनस लेयर कितनी ज्यादा बढ़ाता चला जाऊंगा तो हीट सिंक अच्छे से हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, आपके डिवाइस के डैमेज होने का चांस क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो जनरली आप जो है एन माइनस लेयर की वजह से, इसका ड्रॉबैक क्या है, एन माइनस लेयर का ड्रॉबैक ये है कि एन माइनस लेयर की वजह से आपका जो है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। जब डिवाइस कंडक्शन मोड में जाती है तो डिवाइस के क्रॉस फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होता है या फिर कंडक्शन ड्रॉप ज्यादा होता है। कंडक्शन करते समय डिवाइस के क्रॉस जो ड्रॉप होगा वो ज्यादा होगा, कंडक्शन ड्रॉप ज्यादा होता है, जिसकी वजह से पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेज में जो पावर लॉस होता है फिर कंडक्शन लॉस होता है वो सिग्नल डायोड के सिग्नल डिवाइस के कंपेयर में ज्यादा होता है। तो अगर इनमें लॉसेज ज्यादा होता है तो इन डिवाइसेज को कूल रखना पड़ेगा। कूल रखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हीट सिंक। तो जितनी भी मोस्ट ऑफ द पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस है उनको कूल करने के लिए हम हीट सिंक लगाते हैं, चूंकि इनमें पावर लॉस ज्यादा होता है और हीट सिंक क्या करता है, आपकी पावर को एब्जॉर्ब करता है और डिवाइस को कूल रखता है। लेकिन अगर एन माइनस लेयर की विड्थ आप लगातार बढ़ाते चले जाएंगे तो हीट सिंक भी उसकी हीट को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, आपकी डिवाइस क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। इसलिए पावर डायोड में जो हीट सिंक लगा होता है, अगर मैं एन माइनस लेयर की जो विड्थ है वो 400 माइक्रो मीटर तक रखूंगा तभी वो इफेक्टिवली वर्क कर पाएगा, आपका पावर डायोड आपका सेफली वर्क कर पाएगा। अगर उससे ज्यादा विस्तृत कर दूंगा तो आपका हीट सिंक भी उस हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, आपका पावर डायोड क्या हो जाएगा, आपका डैमेज हो जाएगा जब आप उसको कंटिन्यूअसली वर्क कराएंगे। क्योंकि कंटिन्यूअसली वर्क कराएंगे हीट ज्यादा होगी, आपका हीट सिंक उतनी हीट एब्जॉर्ब, तो उसका टेम्परेचर धीमे धीमे बढ़ता जाएगा और कुछ टाइम के बाद आपका पावर डायोड चलते चलते क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड डायोड में बंद हो जाएगा। तो लिखिए ड्रॉबैक, क्लियर है ना, हीट सिंक लगाते हैं तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए बेटा ड्रॉबैक एन माइनस लेयर का। जितनी भी पावर सेमी कंडक्टर डिवाइस है उनमें आप रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए एन माइनस लेयर लगा देते हैं। इस एन माइनस लेयर की वजह से जब डिवाइसेज कंडक्शन मोड में जाती है तो पावर लॉस ज्यादा होता है, पावर लॉस ज्यादा होने की वजह से हीट सिंक लगाना पड़ेगा। छूट गया ये लिखना है क्या तुम लोगों को, लिखना है, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था, मैं लिखा रहा हूं उसको, लिख दो अगर किसी को लिखना। जितनी भी पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेज होती है उनमें एन माइनस लेयर होती है आपकी रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है लेकिन उसकी वजह से फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा। जब कंडक्शन मोड में जाएगी तो फॉरवर्ड कंडक्शन ड्रॉप बढ़ जाएगा, बढ़ने की वजह से उसमें पावर लॉस ज्यादा होगा तो आपको डिवाइसेज को कूल रखना पड़ेगा, कूल रखने के लिए हीट सिंक लगाएंगे। और अगर विफ्ट बहुत ज्यादा बढ़ाते जाएंगे तो हीट सिंक भी आपका जो है काम नहीं कर पाएगा। इसलिए जो एन माइनस लेयर होती है उनकी विफ्ट एक लिमिट तक ही रखते हैं हर एक डिवाइस में। ये नहीं, इसके ऊपर वाला, ऊपर वाला डाउन कर रहे हैं, रुक जाओ, डाउन कर रहा है, पहले इतना लिखना हो लिखो, बढ़ाएंगे। चलो ये वाला लिखना है क्या तुम लोगों को, लिखो जल्दी लिखो,
ये तो महत्व एन माइनस लेयर का जो है क्या है, ये एडवांटेज है, लेकिन उसका इस एन माइनस लेयर का डिसएडवांटेज, इसकी वजह से जब डिवाइस कंडक्शन मोड में जाती है ना तो पावर लॉस बढ़ा देती है, तो हीट सिंक एक एक्स्ट्रा खर्चा लगाना पड़ता है रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग एबिलिटी को बढ़ाने के लिए तुमने एन माइनस लेयर लगाई, लेकिन इस लेयर की वजह से जब डिवाइस फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंडक्शन मोड में जाएगी तो ये फॉरवर्ड रेजिस्टेंस को बढ़ा देगी ये लेयर, जिसकी वजह से फॉरवर्ड कंडक्शन वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा। कंडक्शन करते समय अगर वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा तो कंडक्शन लॉस ज्यादा होगा, कंडक्शन लॉस की वजह से डिवाइस हीट अप करने लगेगी, तो हीट सिंक लगाना पड़ेगा। तो जितनी भी पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं ड्यू टू द एन माइनस लेयर आपका क्या होने वाला है, फॉरवर्ड कंडक्शन ड्रॉप बढ़ने वाला है, फिर फॉरवर्ड कंडक्शन लॉस बढ़ने वाला है, तो हीट सिंक लगाना पड़ेगा। चलो लिखो सिंक दैट इज ड्रॉबैक, ड्रॉ बैक मतलब कमी, ड्रॉबैक ऑफ ड्रिफ्ट रीजन और एन माइनस लेयर। एन माइनस लेयर का क्या ड्रॉबैक होता है, एन माइनस लेयर का एडवांटेज तो देखा रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग एबिलिटी, लेकिन इसका डिसएडवांटेज है कि कंडक्शन लॉस बढ़ा, तो मैं लिख रहा हूं, और कब कंडक्शन लॉस बढ़ाएगा, जब फॉरवर्ड बायस होगा, तो लिखेंगे ड्यू टू द एन माइनस लेयर और ड्रिफ्ट रीजन इन दी पावर सेमी कंडक्टर डिवाइसेज, पावर सेमी कंडक्टर डिवाइसेज, पावर सेमी कंडक्टर डिवाइसेज में जितनी भी पावर सेमी कंडक्टर डिवाइस उनकी रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी ज्यादा होती है, तो एन माइनस लेयर होता है, एन माइनस लेयर की वजह से ड्यू टू द एन माइनस लेयर इन दी पावर सेमी कंडक्टर डिवाइसेज द ऑन स्टेट, द ऑन स्टेट मतलब जब डिवाइस कंडक्शन मोड में जाएगी, ऑन स्टेट रेजिस्टेंस, ऑन स्टेट मतलब जब डिवाइस कंडक्शन में मोड में जाएगी तो उसका ऑन स्टेट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ड्यू द ऑन स्टेट रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस, बिल्कुल क्लियरली समझ में आना चाहिए, ऑन स्टेट रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस विल बी इंक्रीज्ड। देखो इस लेयर की वजह से जब डिवाइस ऑन स्टेट में जाएगी तो टोटल ऑन स्टेट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और बेटा इस फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की वजह से आपकी डिवाइस के क्रॉस ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा। तो लिख रहा हूं देयरफॉर द ऑन स्टेट रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस विल बी इंक्रीज, हेंस या फिर देयरफॉर द ऑन स्टेट, ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डिवाइस, ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डिवाइस या फिर कंडक्शन ड्रॉप, जब डिवाइस कंडक्शन मोड में तब जो ड्रॉप होता है, और इसी को बोलते हैं ऑन स्टेट कंडक्शन ड्रॉप ऑफ द डिवाइस विल बी इंक्रीज्ड देयरफॉर या फिर हेंस ऑन स्टेट कंडक्शन ड्रॉप, ऑन स्टेट कंडक्शन ड्रॉप ऑफ द डिवाइस विल बी इंक्रीज्ड, हेंस दिस इंक्रीज, अगर ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप बन जाए बढ़ जाएगा तो जिसकी अगर वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा तो दैट इज पावर लॉस भी ज्यादा होगा, हेंस दिस इंक्रीज द ऑन स्टेट कंडक्शन लॉस, ऑन स्टेट कंडक्शन लॉस इन द डिवाइस, ऑन स्टेट कंडक्शन लॉस इन द डिवाइस, जिसकी वजह से ऑन स्टेट कंडक्शन लॉस बढ़ जाएगा इन द डिवाइस।
सो दैट अगर ऑन स्टेट कंडक्शन लॉस बढ़ जाएगा तो डिवाइस को हमें कूल करना पड़ेगा, जितनी भी पावर सेमी कंडक्टर डिवाइस है इस एन माइनस लेयर की वजह से ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा तो ऑन स्टेट पावर लॉस बढ़ जाएगा हर एक सेमी कंडक्टर डिवाइस में, जिसकी वजह से हमें डिवाइस को कूल करना पड़ेगा। कूल नहीं करेंगे ड्रॉप ज्यादा लॉस, अगर ड्रॉप ज्यादा होगा तो लॉस ज्यादा होगा, उसकी वजह से टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाएगा, डिवाइस डैमेज हो जाएगी, तो कूल करना पड़ेगा। देयरफॉर एक एक्स्ट्रा खर्चा आ जाएगा इस लेयर की वजह से, सो दैट वी मस्ट यूज द हीट सिंक, वी मस्ट यूज द हीट सिंक। हीट सिंक जानते हो ना, जो पावर को एब्जॉर्ब करता है। वी मस्ट यूज द हीट सिंक इन ऑल द पावर सेमी कंडक्टर डिवाइस, इन ऑल द पावर सेमी कंडक्टर डिवाइसेज, वी मस्ट यूज द हीट सिंक इन ऑल द पावर सेमी कंडक्टर डिवाइसेज टू एब्जॉर्ब द इंटरनल पावर लॉस, टू एब्जॉर्ब द इंटरनल पावर लॉस इन द डिवाइस, इंटरनल पावर लॉस ऑफ द डिवाइस। डिवाइस में जो इंटरनल पावर लॉस है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हीट सिंक यूज करते हैं, जो एल्यूमिनियम का बना होता है। बिल्कुल एल्यूमिनियम का भी बनाते हैं हीट सिंक, ठीक है, ऐसा नहीं है। ऑफ द डिवाइस एंड कूल द डिवाइस, और डिवाइस को कह रहे हैं कूल द डिवाइस। एन माइनस लेयर का ये ड्रॉबैक है कि एन माइनस लेयर से आपने रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी तो बढ़ाई, एन माइनस रीजन लगाने से रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी बढ़ाई, लेकिन जब डिवाइस कंडक्शन मोड में जाएगी तो ऑन स्टेट रेजिस्टेंस डिवाइस का बढ़ जाएगा। ऑन स्टेट रेजिस्टेंस बढ़ने से ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ने से पावर लॉस बढ़ जाएगा, पावर लॉस बढ़ने से आपको उसको कूल करना पड़ेगा, तो हीट सिंक लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो डिवाइस आपकी वो सेफली वर्क नहीं करेगी। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, स्विचिंग बिहेवियर ऑफ ए पावर। पावर डायोड एक स्विच है, या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा, बिहेवियर देखना है। आपको मैंने बताया था कि जितनी भी सेमी कंडक्टर डिवाइस होती है वो ऑन जल्दी हो जाती है लेकिन ऑफ देर में होती है, तब इस चीज को समझना है कि ऑफ होने में उसको ज्यादा टाइम क्यों लगता है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। कोई सी भी डिवाइस हो, चाहे वो आपका जो है एससीआर हो, चाहे आपका पावर डायोड हो, चाहे आपका सिग्नल डायोड क्यों ना, सिग्नल डायोड में इतना पढ़ाते नहीं है क्योंकि ये जो टाइम होता है वो माइक्रो माइक्रो सेकंड में तो दिखता नहीं है। क्यों हम लोगों को जो है आपका कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइस जल्दी ऑन होगी लेकिन देर में ऑफ होगी, ऐसा क्या होता है डिवाइस के अंदर उसको ऑफ होने में ज्यादा टाइम, इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। दैट इज कॉल्ड रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक, और बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये सब चीज कोई पढ़ाएगा नहीं, ठीक है। ये सब चीज जब हम लोग पढ़ते तो हमको भी नहीं समझ में आती कि है क्या, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, स्विचिंग बिहेवियर ऑफ ए पावर डायोड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और ये एससीआर में यूज आएगा। एससीआर में ये चीज मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि यहां पर मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा, ठीक है, तो वहां पर मैं आपको डायरेक्ट लिखा दूंगा। सब चीज एससीआर में भी होती है, जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं हर एक चीज लिंक है, इसलिए आप बहुत कायदे से पढ़े। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, स्विचिंग बिहेवियर, स्विचिंग बिहेवियर ऑफ ए पावर डायोड। पावर डायोड भी एक स्विच है, और किसी भी स्विच में दो ही टाइप के बिहेवियर होते हैं, या तो वो ऑन होगा या तो ऑफ होगा। तो इस बिहेवियर को कल समझेंगे, ठीक है। तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पावर डायोड, पावर डायोड को ऑफ होने में क्यों टाइम लगता है, ऑन जल्दी हो जाता है, या फिर कोई भी सेमी कंडक्टर डिवाइस ऑन जल्दी होगी। डायग्राम भी दिखाना है, लो बना लो। इस एन माइनस लेयर का क्या दिक्कत है, इस एन माइनस लेयर से क्या दिक्कत होने वाली है? एन माइनस लेयर से रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, लेकिन आपका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से आपकी डिवाइस पे कंडक्शन लॉस या फिर पावर लॉस बढ़ जाएगा। जब डिवाइस कंडक्शन मोड में जाएगी तो उसको कूल रखना पड़ेगा, जब तक वो कंडक्ट करे तो कूल रहे। अब तुम्हारा दिमाग अगर जो है गर्म हो जाएगा तो तुम थोड़ा जो है पगला ना जाओगे, तो तुम भी टोपा ऊपर लगा किस समय कूल हो रहे हो, है ना।
चलो थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड विद द इंजीनियर। 6:30 बजे हम लोग जो है आपका मशीन की क्लास में मिलेंगे, और रात में आपकी 9:30 बजे है क्या, 9 बजे 9:30 बजे की, या फिर आपके 8:45 पे एनालॉग की क्लास है, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड विद द इंजीनियर। कैरेक्टरिस्टिक दिखा दे हीट सिंक के लिए, ये जोर कर पाए, ठीक है। वी विल डिस्कस इन द दैट इज आपका पैरेलल ऑपरेशन, वहां पर हीट सिंक डिस्कस करेंगे, ठीक है। एल्यूमिनियम का बना होता है, चलो होता जाए क्लास को। आप ड्रिफ्ट रीजन का मतलब, अरे बताया तो था ड्रिफ्ट का मतलब तैरना होता है। डिप्लीशन लेयर उस रीजन में बहुत तेजी से अंदर जा सकती है, मतलब तैर सकती है भैया। जब क्लास खत्म होने वाली होती तो तब तो कुछ लोग एंट्री करते हैं, और नीचे कर रहे हैं। क्या देखना है आशा यादव तुमको? ये जो लिखा है वो ट्रांसफार्मर 10 दिन में खत्म हो जाएगा पूरा। चलो लो, जिसको करेक्टरिस्टिक देखनी थी वो अपनी करेक्टरिस्टिक देख ले, स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई जल्दी से, फिर अपने लिखते रहा करो। हाँ ऑनलाइन में टाइम इंक्रीज कर देंगे, 2-3-4 दिन रुक जाओ, फिर 3 घंटे की क्लास कर देंगे, परेशान ना हो। करेक्टरिस्टिक के नीचे वाला डायग्राम बनाना है इसको, ले भैया ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। कूपन जनरेट करने के लिए आशुतोष सर का नंबर है, चलो थैंक यू वेरी मच।